अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। टेस्ट मैच हो रहा है और टेस्ट मैच कल मैं सोच रही थी जब मैं जा रही थी, यार रश क्यों हो रहा है रोड्स पे इतना, वरना फ्लो जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया क्योंकि हैवी ट्रक्स जो है उनका और जो ये ट्रॉलर्स होते हैं उनके टाइमिंग अप कर दिए हैं। तो मेरे दिमाग में आया, मुझे नहीं पता था कि टेस्ट मैच हो रहा है रावलपिंडी में, और प्लेयर्स जब जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं तो वो रोड जो है वो एटलीस्ट 1.5 घंटे के लिए बंद हो जाती है। तो आज जो है यही हुआ, बट शुक्र है मुझे दूर से जब ट्रैफिक नज़र आ जाए ना तो फिर मेरा दिमाग जो है चलता है, जो ड्राइविंग करते हैं ना उनका चलना चाहिए कि कैसे डी टूर करके आप जो है ना दूसरे रास्ते से पहुँच सकते हैं। तो वंस अगेन आप सबको खुश आमदीद, आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। कल का शो आपने बहुत पसंद किया, थैंक यू। मेरे बहुत सारे जानने वाले जो हैं उन्होंने देखा और मुझे इनबॉक्स केटू सार मिशी खान का जो पेज है फेसबुक पे उस पर नहीं किया, लेकिन मेरा जो व्हाट्सएप है उस पर किया और बहुत पसंद किया। कल जो है कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था, यानी यौम यकजहती है कश्मीर, और कल का शो बल्कि सारे शोज़ हमारे जो हैं एबीटी नेटवर्क के केटू के स्पेशली, उसमें हर इलाके को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। सो जितने और शोज़ थे उनकी टीम्स को भी बहुत मुबारक हो, सब ने बहुत पसंद किया। और इस जद्दोजहद में, इस स्ट्रगल में हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और एक दिन जो ये उनका ख्वाब है एक फ्री यानी कि एक आज़ाद अपनी जगह पे सांस लेने का, वो इंशाल्लाह पूरा होगा। हम सब की दुआएं हैं और इस स्ट्रगल में उनका साथ है। सो आप सब से भी गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करें कि उनकी जो तकलीफ़ है और उनका जो एक मिशन है, उनके जो एक जद्दोजहद है वो जल्द पूरी हो जाए। आज का सवाल सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आज का सवाल है कि पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा दरिया बहते हैं, पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा दरिया बहते हैं। आगे जवाब भी लिखा हुआ था। और आज आपको कलाम और कलाम वैली जो है स्वात में, उसकी आपको सैर कराएंगे, उसकी छोरील है, जाएंगे तो आप लोग ज़रूर, क्योंकि आप पाकिस्तान में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा फ़रोग पा रहा है। आप लोग मुख्तलिफ़ जगहों से बल्कि बाहर से भी जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं और जो फॉरेनर्स हैं उनको तो पता ही था, लेकिन पाकिस्तानीज़ को भी अब जो है लंदन और दुबई का जो बुखार था उसके बाद अब अपने जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें जाने का इतफ़ाक़ हो रहा है। और बहुत उनकी ट्रिप्स जो है टिकटॉक पे भी मैं देखती हूँ, अदरवाइज़ भी सो बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं। उसके अलावा आज मलिका तरन्नुम नूर जहान का खूबसूरत कह रही हूँ नाज़रीन, सॉरी फ्लो में हो जाता है, खूबसूरत एक जो गाना है, मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, ये उनका खूबसूरत सा सॉन्ग आज आपको सुनाना है। और ओए अल्लाह, मेरे को ब्लूपर भी हैं नाज़रीन, मुझे नहीं पता चल रहा होता है कब ब्लूपर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, बट कुछ ब्लूपर्स भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक पे है, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब पे है, और केटू सार मिशी खान का जो पेज है फेसबुक पे उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और साथ में जो स्नैपचैट है वो है खान मिशी 77। केटू के जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं और जगह हैं वो हैं www.kay2.tv, उसके अलावा facebook.com/k2television, youtube.com/k2television, और ट्विटर इज़ @k2tv। सो लाइव कॉल आप कर सकते हैं 0518094521 पे, पहले कॉलर हैं उनसे देखते हैं, बात करते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं जी? आपने पूछा ना कि पंजाब सबसे ज्यादा दरिया किस सूबे में बहते हैं, पंजाब है जी। पंजाब में बहते हैं जी। आपका ताल्लुक किस जगह से है? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, और आपका नाम प्यारा सा? चौधरी मोहम्मद अरशद जी। चौधरी मोहम्मद अरशद। चौधरी साहब ये बताएं कि आपको रावलपिंडी में कितना अरसा हो गया? मेरी जन्म पैदाइश श्रीनगर की है। अच्छा, तो आप कौन सी जबान, पंजाबी के अलावा उर्दू के अलावा और कौन सी बोलते हैं? पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, जर्मन। जर्मन, अच्छा जी। तो जर्मन में मुझे तो एक ही आती है बात, गुडन टाग। गुडन टाग, गुडन टाग, गुड डे, गुड डे, गुडन टाग। तो ये मुझे गुडन मॉर्निंग, गुडन मॉर्निंग, सुबह का सलाम। अच्छा, गुड मॉर्निंग को क्या कहेंगे? गुडन टाग। गुडन टाग, ओके। आपका जाना हुआ जर्मनी क्या? नहीं, अभी तक नहीं जाना हुआ। सरकारी तौर से ये मैंने कोर्स किया था जर्मन लैंग्वेज। अच्छा, वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है चौधरी साहब।
आपको देख के लोग और लोगों को भी कोर्सेज करने चाहिए, तो कोई फायदा हो रहा है आपको या होगा आपको जर्मन सीखने का? नहीं, बस कभी कभी होता है कोई ऐसा ही बात हो तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या मतलब है इसका, इसका क्या जवाब है। चले, जबरदस्त जबरदस्त। आपकी कोई फरमाइश है कुकिंग के हवाले से? मैंने कल फरमाइश की थी कश्मीर डे पर, मुबारकबाद भी कल करने की थी, दूसरे कहा था कि ये मुझे कोल्ड क्रीम काफी है, कश्मीरी पुलाव। कश्मीरी पुलाव तो कल बनाना आपकी फरमाइश पे हो गया था मेरे ख्याल में। नहीं, कोई नहीं बना। नहीं, कल बनाया था मैंने कश्मीर डे पे कश्मीरी पुलाव बनाया। अच्छा, था वो कोई लाइट का मसला था इधर। अच्छा, चलो फिर कभी बना दीजिए, तो कोल्ड कॉफी बना दें आज। चले, आज आपकी फरमाइश पे कोल्ड कॉफी बनाती। ठहरे, चौधरी अरशद साहब। अच्छा चौधरी साहब, आप हमारा जो फेसबुक का पेज है ना उसको ज्वाइन कर लें, उस पर प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा ये कश्मीर डे का, उस पर कल मैंने बनाया है कश्मीरी पुलाव, आपकी फरमाइश पे ही था मेरे ख्याल में। चौधरी मोहम्मद अरशद, चौधरी अरशद साहब वो कह रहे हैं अब कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ। कोल्ड काफ़ी, कुछ लोग काफ़ी भी कहते हैं ना, काफ़ी हो गई भाई कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? मम्मी ने नाजी मुझे 10:15 पर फ़ोन किया कि आज टाइम पर प्रोग्राम आएगा 11 बजे। मैंने कहा नहीं मामा, चेंज नहीं हुए टाइम, 10:30 ही आएगा। तो मामा जी अस्सलाम वालेकुम, दार भजन, बावड़ भजन, खार भजन, आपको मेरा खास सलाम। और दार भजन इज कूल नाउ, इज ऑल राइट। और साथ साथ क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, सैटरडे, सो सर कामरान सर, शाहिद सर, मंसूर सर, जवाद, उनकी फैमिलीज को मेरा और पूरी टीम का खास सलाम। आई होप यू हैव अ ग्रेट, लॉन्ग वीकेंड ही होगा, लेकिन आज भी सबको ऑफिस आना होता है, और फिर एक दिन कल का होता है जिसमें ऑफिस नहीं आना होता और उस दिन का पता ही नहीं चलता राजी। अब आ जाते हैं सवाल पे दोबारा से, पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा दरिया बहते हैं? और चौधरी मोहम्मद अरशद साहब जो हैं रावलपिंडी से, उनकी फरमाइश पे आज कोल्ड कॉफ़ी भी बनेगी। और नाजी मैंने एक कॉन्कॉक्शन किया है, यानी एक एक्सपेरिमेंट किया है, लाल लोबिया और सब्ज़ी इकट्ठे बहुत मज़े का बनता है, और आप बना के देखना, चावल के साथ भी आप खा सकते हैं, नरिशिंग भी है, और साथ में वैसे भी चम्मच से खा सकेंगे, और जो डाइट पे है, मतलब डाइट पे अगर ना भी हो तो आप खा सकते हैं, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बोल रही है? मैं ज़ाहरा बात कर रही हूँ। ज़ाहरा जी, ज़ाहरा किस जगह से बोल रही हैं आप? मंडी भावदीन से। मंडी भावदीन से, अच्छा अच्छा तो क्या कहना चाहेंगी ज़ाहरा? मैं सवाल का जवाब दूंगी। दें दें सवाल का जवाब। पंजाब। सुबह पंजाब में सबसे ज्यादा दरिया बहते हैं जी। अच्छा, तो आप क्या पढ़ती हैं जी? किस क्लास में? नाइन्थ क्लास में। लवली, सो क्या बनने का इरादा है? मैं पुलिस में जाऊंगी। आई एम वेरी गुड भाई, लाठियां चलाऊंगी, पुलिस में जाऊंगी। सो उसके लिए कोई खास आपने तैयारी कर रही हैं सीएसएस के एग्जाम की? हैं जी। कर बेटा बोलो तो सही, प्रोग्राम में हिस्सा लिया आपने, तेज तेज बोलो। आपकी ज़ारा जी? जी जी, मैंने कहा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं आपके? चार बहन भाई। ओके ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया, थैंक यू सो वेरी मच। नाजीन, आप लोग कॉल करते हैं ना लाइव प्रोग्राम में, तो होता ही है कि लाइव जो एयर टाइम होता है ना वो बड़ा ही कीमती होता है। क्यों? फिर ब्रेक पे जाना होता है, कुकिंग। आज डॉक्टर गफार अली खानजादा हमारे साथ होंगे, और उनका भी बता दूं, डॉक्टर गफार अली खानजादा आज होंगे 0300-333-9378, 0300-911-6681, और आप इनसे रابطہ कर सकते हैं इनके जाके क्लिनिक में भी, रावल इस्लामाबाद में, जो कराची कंपनी G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे इनका क्लिनिक है, उधर आप चले जाएं। अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते तो फ़ोन पे तो आप करते ही हैं पता, लेकिन जाके दिखा देंगे तो बहुत बेहतरीन बात हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उबैदा बात कर रही हूँ मुल्तान से। उबैदा बात कर रही है मुल्तान से, कैसी हैं उबैदा आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक, खैरियत से, आप सुनाएं? खैरियत है, सब ठीक ठाक है, क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र, पहले मेरी तरफ से केटू की पूरी टीम को सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सो ये मुझे और आज आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? आज क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दरिया किस सूबे में बहते हैं?
आए अल्लाह, उबैदा चली गई। अच्छा नाज़रीन, अब क्योंकि आज मैंने टाइम शॉर्ट है, डॉक्टर साहब भी होंगे, कुकिंग भी है, तो आप लोगों ने कहा होता है कि हर दफ़ा एक्सरसाइज, ऑब्वियसली मैं आज दिमाग में मेरे था एक्सरसाइज का, लेकिन आज आपको मैं वो वाली बताऊंगी एक्सरसाइज जो कि आप मैट बिछा के, आपको कोई ख़ास कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, आपने करनी ज़रूर है। बस कहने का मकसद ये कि करना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं आपको क्योंकि अब मैंने गियर ऐसा पहन लिया है तो मैं आपको इसी के अंदर जो है बता सकती हूँ। और मैं चाहूँगी कि अगर शहबाज भाई मेरा मैट वो पड़ा हुआ मैट दे दे, मैट दे दीजिए। हैं, अच्छा ओके, हमारी कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, हमारे पास क्या करें, इतनी कमर्शियल्स आ चुकी हैं कि एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद जब आएंगे तो मैट पे मैं आपको क्विक सी साइड, ये जो आपके टायर्स हैं ना, इसको कम करने की, ज़रा सा कमरिया निकालने की एक दो एक्सरसाइजेज हैं, क्विक से बताऊंगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कुकिंग करेंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। आपके पास टाइम हो, इसके अंदर आपको वार्मिंग अप की सच ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं आपको बता रही, जैसा होता है ना खून का दौरानिया बढ़ाना, वो तो आपका जिस तरह काम करते में जितनी खवातीन हैं जो घरों में हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी है। ये साइड्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए, और यहाँ से ज़्यादा टायर अगर निकलने से पहले आप उनको रोक लेना तो फिर वो नहीं होते। तो मैंने शूज़ अपने पहने में, सॉरी क्योंकि मैं अब ये वाले नहीं उतार सकती, जब मैंने सुबह तैयार कर हो के गाड़ी में आ रही थी ना, मैंने कहा ओ गॉड आज सैटरडे था, आज मेरा एक्सरसाइज सेगमेंट होता है छोटा सा, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस तरह भी आपको बता सकती हूँ। आपने सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रीदिंग करनी है, नाक से सांस अंदर लेना है और मुँह से एक्सहेल करना है। एक्सहेल का मतलब है कि सांस निकालना, इनहेल का मतलब है कि सांस अंदर लेके जाना। तो इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, आपने अपने लंग्स को खोलना होता है। लंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग समझ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब से भी मैं आज पूछूंगी कि ये बस आप जिंदा लेने के रहने के लिए रोज़ सांस लेते हैं, लेकिन ये जो स्पेशली आप 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करते हैं, इससे आपके पूरे सिस्टम में ऑक्सीजन जो है वो जनरेट होती है, और आपका खून जो है, और जहाँ से छोटी छोटी कैपिलरीज और आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन जाना बड़ा ज़रूरी है। तो ये ना समझें कि सिर्फ ये पतले होने के लिए या वजन कम करने के लिए, ये इसलिए भी है कि आपके जो अंदरूनी सिस्टम है जो कि अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जब आप कोई मेडिकल की किताब या किसी डॉक्टर से या डॉक्टर साहब से जब मैं बात कर रही होती तो आप सोचते हैं कि कितने करोड़ों अरबों सेल्स हैं हमारे अंदर। तो नाक से सांस अंदर लेना है आपने,
आपने क्या करना है, अब आपने लोअर एब्डोमिनल ये आपने 3 दफ़ा करनी है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया बता रही हूँ क्योंकि आज मेरा एक्सरसाइज का वो एक दिमाग नहीं था, वो रास्ते में मुझे याद आया। तो अब आपने क्या करना है, अपने जो लोअर अब्डोमिन है ना उसके लिए सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है वो यही वाली है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपने अपने हिप्स के नीचे इस तरह हाथ ज़रूर रखना है ताकि आपकी जो बैक है उसमें इंजरी ना आए। आपने 3 जगह पे आपने लेग्स को रोकना है और उससे आपका जो लोअर यानी लोअर जो पेट है उस पर आपके प्रेशर पड़ेगा, तो उससे आप देखिएगा कि आपका नीचे वाला जो पेट है वो आहिस्ता आहिस्ता, सिर्फ आपने 1 से 2 मरतबा ये रोज़ करनी है। 1, 2, 3, हाफ। उसके बाद हाफ, उसके बाद फुल। इस तरह आपने जाना है, इस तरह आप गए हाफ पे आए, रुक जाएंगे आप 1, 2, 3, 4, 10 गिन के, फिर हाफ आएंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड दैट्स इट। सांस लेंगे आप, सांस आप इस दौरान लेते रहेंगे मुंह से नाक से जैसे भी आपको इजी लगता है, फिर नाक से अंदर सांस लेंगे और रोक लेंगे। इधर आके आपने थोड़ा और देर तक रखना है। आप देखिएगा इस जगह पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टमी जो होता है उसके लिए जो हामला ख़वातीन हैं जो कि अभी उनके बेबीज़ हुए हैं वो प्लीज़ ना करें। ये सिर्फ जो रेगुलर औरतें हैं जो किसी मेडिकल कंडीशन में नहीं है वो ये करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने क्या करना है, अपनी लेग को ऐसे ज़रूर करना है और इसको ऐसे ज़रूर करना है। उसकी वजह कि आपका जो बैक है वो जो है स्ट्रेंथन रहेगी इससे। अब हम इस तरह आते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, लेग्स इनर थाइस के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह आपने किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह आप चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये हो गया। ये आप बेशक 5 मिनट भी कर लेना, मैं आप लोगों को इसलिए मोटिवेट कर रही होती हूँ क्योंकि आधे घंटे की एक्सरसाइज जो है ना वो लोगों के लिए एक बवाल होती है। तो 5 मिनट से स्टार्ट करें ताकि आपकी बॉडी यूज टू हो कि हाँ यार मेरे लिए भी कुछ किया जा रहा है सिवाय खाना कम करने के, या मेरी बॉडी जो है आपसे बात करेगी किसी दिन, वो आपसे कहेगी यार आप लोग मेरे खाना तो बंद कर देते लेकिन मेरी जो चुस्ती और मेरी जो एक तरोताजगी है उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। ये आपकी बॉडी आपसे पूछेगी क्योंकि आपकी बॉडी आप खुद होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने ऊपर रहम किया करें और ओवर डाइटिंग और चीज़ें छोड़ देना, उससे आपको और मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। बस आपने सांस लंबा लेना है, इतनी भी आप कर लेना मेरे कहने पे तो आप देखिएगा आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि होता ये कि हम लोग प्लान करते रहते हैं, अच्छा जी जिम जाएंगे, वो कभी जाना नहीं होता, वज़न आपका बढ़ता जा रहा होता है, फिर आपको शुगर, हार्ट और 10,000 किस्म की प्रॉब्लम्स वज़न की वजह से स्टार्ट होती हैं। मैं हर एक को जब बोल रही होती हूँ, फिर जब किश्ती चल पड़ती है मतलब द शिप हैज सेल्ड, उसके बाद फिर कुछ करने से फ़ायदा नहीं होता, फिर बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें जितनी ख़वातीन और हज़रात देख रहे हैं। और सिर्फ ख़वातीन का पतला होना या सेहतमंद होना ज़रूरी नहीं है, मर्द हज़रात और लड़के भी हैं, उनकी भी सेहत उतनी है, उनकी भी स्किन उतनी इम्पॉर्टेंट होती है जितनी ख़वातीन की होती है। तो दोनों जेंडर बेस्ड नहीं होती एक्सरसाइज, आप लोगों को खुद से अपनी थोड़ी बहुत फिटनेस जो है वो रखनी चाहिए, स्पेशली बॉडी की लचक जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए। अपने जो ये जॉइंट्स हैं इनको हमेशा ऐसे ऐसे करें,
इस तरह करें, दिन में एक दफ़ा दो दफ़ा जैसे भी है, पैर को या आपने इस तरह करके पकड़ा, इस तरह थोड़ा सा मूव कर लिया, इसी तरह इस तरह किया, इस तरह कर लिया, तो थोड़ा सा अपने आप को ना कहीं भी खड़े बैठे हुए आप अपने ऑफिस में घर में कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है और राजीन हो गई एक्सरसाइज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रही है? मैं नादिया बोल रही हूँ। नादिया कहाँ से बोल रही है? रावलपिंडी से। आपकी रेगुलर बन गई। हाय हाय, सॉरी सॉरी नादिया। खुशकिस्मत परसों भी किया था आपको। नहीं, खुशकिस्मत ये है कि मेरा शुक्र है वो मुला देते हैं आपसे लैंड में। अच्छा चलो, वेरी नाइस। तो कैसी हैं आप नादिया? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? शुक्र है। आप नए हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आपके पास ही ये लिबास बहुत आप प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच नादिया, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, आपने ही मुझे कहा था ना कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, डिप्रेस रहती हैं आप। आपने कहा था? हाँ। तो आप कुछ बेहतर? आपकी बातों से ही तो मैं थोड़ा सा उठी हूँ। थैंक यू नादिया। लेकिन आपको खुद भी कुछ करना है, जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताई है, रात को रिपीट में बेशक देख लेना, थोड़ी सी करोगी, थोड़ी कोई टीवी का अच्छा प्रोग्राम देखो कोई अच्छे से, सबसे बड़ी बात है आपको नमाज पढ़ेंगी, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएंगी, तो आप देखें 5 मिनट में आपको सुकून मिल जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, मैंने माशाल्लाह हज किया हुआ है, दो उम्रे किए, मैं नमाजी हूँ, 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ। तो फिर तो आपको डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर किस बात का डिप्रेशन है? जो मुझसे होता है वो मैं करती रहती हूँ अल्लाह के नाम पे। बिल्कुल, बस वो रिश्ते जो थे ना, वो रिश्तों की वजह से। बस कौन से रिश्ते? जो थोड़े जो सर से उठ जाते हैं, माँ बाप की कमी। हाँ, हाँ। जो फोत हुआ है बेचारा, सो सॉरी में थे वो। बस ये थे। बस नादिया देखो, माँ बाप जब माँ बाप चले जाते हैं तो इंसान, हम सब यहाँ पे जो है मेहमान के तौर पे दुनिया में आते हैं, और ये जिस दिन आपको पता लग जाए ना कि हम सब ने जाना है, कुछ लोग पहले चले जाते हैं, कुछ लोग बाद में चले जाते हैं, लेकिन जाना सब ने है। वो कहते हैं ना, मौत बरहक है, वो हर एक पे आएगी, और कुछ भी आप कर लें, कितनी भी आप एक्सरसाइज, ये तो आप सेहतमंद रहने के लिए करते हैं ना, तो इस चीज़ को अगर दिमाग में रख लें कि वन डे वी ऑल हैव टू लीव, और अपने 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 तरीके से छोटा छोटा अच्छा काम अगर कर लें, और दूसरों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने बारे में और अपनी इन्वायरमेंट के बारे में सोचें, तो आई थिंक सबसे बेस्ट है। तो आप बिल्कुल डिप्रेस ना हो, आपको डिप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह आपने 2 हज किए हैं, फिर तो आपको सबसे ज़्यादा पुरसकून होना चाहिए। मैं तो वेट कर रही हूँ कि मेरा कब बुलावा आएगा, और मैं वहाँ जा के, मैं तो आपको बता नहीं सकती नाज़रीन के क्या मेरी कैफियत होगी जब मैं खाना काबा एंटर करूँगी, और मैं मदीना मुनव्वरा में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो रोज़ा है वो देखूँगी। आई एक्चुअली मुझे अभी तक पता ही नहीं कि वो वाली जो फीलिंग है वो कैसी होती है, लेकिन कहते हैं ना अल्लाह ताला ने हर एक का बुलावा रखा हुआ है, जिसको जब भी बुलावा आए तो वो ऑटोमेटिकली उसके फाइनेंसिस भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, और आप जो है पहुँच जाते हैं। सो नादिया डोंट वरी, बी हैप्पी, अल्लाह ताला रहीम करीम है, और वो सब की बात सुनते हैं, और सब की मुश्किल जो है आसान करते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि आप किस तरीके से उनसे कनेक्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या आपकी? मैं ठीक ठाक, कौन बोल रही है? मैं आमना बोल रही हूँ। हैं आमना? आमना फ्रॉम रावलपिंडी। कैसी है आमना? ठीक ठाक है, खैरियत से? जी ठीक हूँ मैं। आपका प्रोग्राम हम बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आमना, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी आज के सवाल का जवाब देंगी कि पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा दरिया बहते हैं? सूबा पंजाब। सूबा पंजाब? Are you sure? शोर है आप आमना? हेलो, मैंने कहा शोर है आप, एक ऑफिस हो। आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी बताएं, पूछे। डॉक्टर साहब आए थे जुमेरात वाले दिन। जी जी आए थे। उनका नाम डॉक्टर गफार है ना? जी जी बिल्कुल है, डॉक्टर गफार अली खानजादा। तो वो कब आएंगे आप? अभी आने वाले हैं, चंद मिनटों में। क्या सवाल है बता दो, मैं पूछ लेती हूँ। उनसे ना बच्चे के बारे में पूछना। बच्चे के बारे में? मेरे बच्चे को एपिलेप्सी है ना। अच्छा, एपिलेप्सी है तो यार आप रावलपिंडी में रहती हो आमना, उनको G9 मरकज में जाके दिखा दो, ज्यादा बेहतर है। एपिलेप्सी आमना, तो क्या आपने पूछना है उनसे? जी क्या पूछना है आपने?
ये पूछना है कि हम उसको दवाई दे रहे हैं जो है ना रोजाना, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो है ना फिट पड़ते रहते हैं ना। ठीक है, ओके, फिट पड़ते रहते हैं। ठीक है, मैं आज उनसे सवाल पूछ लूंगी। आमना फ्रॉम रावलपिंडी, थैंक यू सो मच। नाजीन अब चलते हैं मिशिलिशियस डिशेज, और उसके बाद टाइम देख दूँ नाजीन, अगर एक सेकेंड, हाय 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 हाय, टाइम बहुत कम है, चलते हैं मिशिलिशियस डिशेज। मिशिलिशियस डिशेज, और आज की डिश जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी यूनिक सी है, लाल लोबिया और मिक्स वेजिटेबल्स के साथ। कैसे आप बना सकते हैं? आपने मिक्स वेजिटेबल्स अलहदा बनाई होंगी, लोबिया, लाल लोबिया अलहदा बनाया होगा जिसको राजमा कहते हैं, लेकिन आज मैं आपको सारी मिक्स करके, इट इज़ माइंड ब्लोइंग नाजीन, क्या मज़े की बनती है। मैं खुद ट्राई करती रहती हूँ ना, ये सारी एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ आप लोगों को भी मैं ज़रूर बताऊँ ताकि आप लोग भी लुत्फ़अंदोज़ हों। लोबिया सब्ज़ी मिक्स बन रहा है, और चौधरी साहब, चौधरी अरशद, हाँ अरशद साहब, चौधरी अरशद अशरफ, चौधरी अशरफ साहब की फरमाइश पे कॉफ़ी बना रही हूँ मैं, ज़रा मुख्तलिफ अंदाज़ में। बहुत तरीके से कॉफ़ीज़ बनती हैं, लेकिन मैं उनके लिए स्पेशली इसलिए बना रही हूँ अभी कि उन्होंने मुझे एक तो याद भी दिला दिया, और ये कि ये क्विक फिक्स कॉफ़ी है। इसी तरह की मैं आपको दो तीन और वेरिएशंस जो है वो बताऊँगी अगले शोज़ में, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए मैं आपको क्विक सी अभी बता रही हूँ। ब्लेंडर इसके लिए आपको चाहिए, और एक सेकेंड, कॉफ़ी, कॉफ़ी है अशरफ साहब, अशरफ साहब फ्रॉम, अशरफ साहब फ्रॉम रावलपिंडी, रावलपिंडी, आई थिंक बिल्कुल राइटिंग जो है ना अजीब हो गई है एंड में जाके। अच्छा, अब सबसे पहले कॉफ़ी के लिए आपको चाहिए ऑब्वियसली दूध चाहिए, क्रीम अगर आपने ऐड करनी है तो आप कर लें, लेकिन मुझे ज़रा बड़ी लाइट मज़ेदार कॉफ़ी पसंद है, तो उसके लिए आपको कॉफ़ी चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है एक कंपनी की वो सबसे अच्छी है, चीनी चाहिए और ग्लासेस चाहिए। इसके अंदर आप बर्फ़ एडिशनल ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ठंड है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, गला ख़राब हो जाएगा। ये तो आपके लिए अशरफ साहब के लिए रावलपिंडी की फरमाइश थी उनकी, ये वो खुद भी बना सकते हैं, उनको कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे पहले हैंड वॉश पे, और ज़रूर आप लोग हैंड वॉश पे, अभी भी लोग भूल जाते हैं कि कोरोना वायरस अभी तक है, तो इसलिए भूले नहीं, याद रखें कि कोरोना है, कुछ लोग कोरोना को कोरोना भी कह रहे हैं, कोरोना वायरस, बेचारा वायरस भी कहता होगा, बेचारा तो नहीं है, म्यूटेट होके वापस आता है, बदतमीज़। अच्छा जी, लाल लोबिया आपने भिगो देना है, और उसके बाद बॉईल करके उसको बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, ये देख लें लाल लोबिया बड़ा बेहतरीन होता है, फुल ऑफ प्रोटीन्स। ये हो गया लाल लोबिया, एक से दो अदद आलू हैं बारीक, ये स्क्वायर में कटे हुए, ये आप देख लें, गाजर है, मटर है, टमाटर, दो अदद टमाटर हैं, एक कप जो है वो मटर है, एक कप ही हम इसमें गाजर डालेंगे, और एक कप के बराबर इसमें सारी चीज़ें जो है ना बराबर होंगी, आलू होंगे। मसालों में दो अदद आपने दरमियाने साइज़ के प्याज काटने हैं, मैं ज़रा चूल्हा ऑन कर दूँ डॉक्टर साहब के आने से पहले, आज डॉक्टर साहब जो है दो दिन इंशाल्लाह हुआ करेंगे हमारे साथ, ये हमने ऑन कर दिया। दो अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, मसालों के अंदर मैं बहुत ज़्यादा नज़ी मसाले नहीं इस्तेमाल करती, ना कि कुटी हुई लाल मिर्च हो, वो मेरी फेवरेट है। एक टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, एक से डेढ़ टी स्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, आधा टी स्पून इसमें जाएगा भुना हुआ ये जो पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर, एक टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और एक से डेढ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और हसबे जायका नमक, और दो टमाटर हमने काट के रखे हैं। अब हमने क्या करना है, बेशक आपको मैंने हमेशा कहा है कि एक सेकेंड, इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ, हाफ कप के बराबर ऑयल डालेंगे, और एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, हाजीन इतने कमर्शियल्स, माय गॉड आई एम सो हैप्पी, चलते हैं कमर्शियल ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजीन, वापस आ चुके हैं। मैंने जो है मिशिलिशियस डिशेज में मुँह में फंस जाती है ये वाली बात, अरे कितना अजीब लग रहा है ना, ये खानू बैंगन लग रही हूँ मैं। अच्छा, प्याज और लहसुन अदरक हमने डाल दिया था, मैंने इसमें डाल दिया था, और आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, मतलब जिस तरह मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसी आपको इसकी पकने की खुशबू आ जाए ना,
और आपको मैं बता दूं, कल जो कश्मीरी पुलाव बना था ना, उफ, माइंड ब्लोइंग था. इट वॉज गॉर्जियस. लोग गॉर्जियस को गॉर्जियस बोलते हैं, गॉर्जियस. ओके नाजीन, अब आ जाते हैं मसालों पे. हमने क्या करना है, इसके मसाले जो है ना, ज़रा डिफरेंट तरीके से हम डालेंगे. अगर छोटी चम्मच मिल जाए मुझे, जो लोबिया है इसके अंदर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे. मैंने आधा टीस्पून आपसे कहा था इसमें ये धनिया पाउडर, एक टीस्पून बहुत भर के नहीं लेवल्ड ये हल्दी, एक टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, और जो ज़ीरा है वो जब लहसुन अदरक और जब प्याज हो रहा होगा ना उसमें हम 1.5 टीस्पून इसमें डाल देंगे, ताकि जब ये भुन जाता है ना तो इसकी एक अलहदा जो है ना फ्लेवर, और ये देखें ये इसके साथ भुन जाएगा और आपने इसको बंद कर देना है. कुटी हुई लाल मिर्च इज़ गोइंग टू बी हियर, ये हम डालेंगे इसमें. कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के करीब इसमें ये डालेंगे. इससे फ्लेवर जो है ना बड़ा इन्हेंस होता है, मेरी फेवरेट है. मैं तो किसी को सज़ा के तौर पे भी ना चाय में मिला के दे दूँ कुटी हुई लाल मिर्च. अच्छा जी, ये साबुत धनिया है. साबुत धनिया हमने थोड़ा सा हाथ से आपने क्रश करना है, या लंगरी में कर लें बेशक, और इसमें हमने डाल देना है इस तरह करके. ठीक है, ये हमने वैसे डाल दिया इसमें फ्लेवर के तौर पर. शुरू में मैं आपको नहीं बताया था लेकिन अब बता रही हूँ. और एक चीज़ और, चुटकी बराबर इसमें अजवाइन डालेंगे. अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, देख लें. चुटकी बराबर मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया. लोबिया मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. लोबिया उबले हुए में मैंने मसाले मिक्स कर दिए हैं. लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये जो भुना हुआ जो पिसा हुआ धनिया पाउडर है ये 1/2 टीस्पून, जो हल्दी है वो 1 टीस्पून, हसबे जायका नमक अभी मैं डालूंगी इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा दरदरा सा मैंने साबुत धनिया जो ऐड किया, और इसी में हम नमक भी शामिल कर देंगे 1 से 1.5 टीस्पून, ताकि इसी में मिक्स हो जाए. अब हमने इसको हल्का सा मिक्स कर लिया, जिस तरह आप चाट बनाते हैं ना, बस वैसे मिक्स करके आपने रख दिया. और एक अदद लीमू जो है, अगर आपके पास लीमू नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसमें सिरका थोड़ा सा ऐड कर ले, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है. ये हमने इसमें लेके ऊपर से एक अदद लीमू निचोड़ लिया और आपने इसको ब्रेक करके इसी के ऊपर ऐसे करके डाल दिया. ये लिया और इसी तरह ब्रेक करके आपने इसमें लीमू ऐसे डाल दिया. कुक हो जाएगा लीमू और बहुत मज़े का होता है. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने इसको प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं, जैसी लहसुन अदरक और ज़ीरा जो है वो खुशबू देने लगे आपने इसमें डाल देने हैं मटर. सबसे पहले मटर डालेंगे, तो मटर सबसे ज़्यादा गलने में टाइम लगाते हैं. 1 से 2 हरी मिर्चें इस तरह तोड़ के आपने इसमें डाल देनी है, ताकि उसका फ्लेवर भी आए और बहुत ज़्यादा मिर्च काट के नहीं डालें, तोड़ के डाल दें बस. 3 से 4 अदद मिर्चें डाल दी मैंने, ये देख लें. और अब मैंने इसमें डाल दी गाजर और आलू इकट्ठे, ये डाल दी, क्योंकि लोबिया जो है ऑलरेडी कुक्ड है, यानी पका हुआ है, हमने इसको बॉईल करके रखा है, तो इसकी जो कच्ची चीज़ें हैं वो पहले इसमें शामिल होंगी. ये देख लें बिस्मिल्लाह रहीम, ये देखें जैसी बिस्मिल्लाह रहीम पढ़ के आप चीज़ बनाते हैं ना, तो बेशक कोल्ड कॉफ़ी क्यों ना बनाए ना, वो मज़े की बनेगी, ये मेरा सॉलिम यकीन है. जैसी आप बिस्मिल्लाह रहीम पढ़ के अपना खाना स्टार्ट करते हैं और दिल से बनाते हैं, तो अजीब सी मतलब फ्राई अंडे में भी मज़ा आ जाएगा आपको. तो ये जब तक थोड़ा सा कुक हो रहा है टमाटर, और ये मैंने स्टव रख दिए हैं, क्लीनिंग साथ चलती है. वो जो ब्लूपर्स हैं मैं भी चल के देखूँ कौन से वाले इन्होंने रिकॉर्ड किए, चल के ब्लूपर्स देखते हैं अभी. नाज़रीन ये होता है, नज़र लग गई. कोई बात नहीं, भुन गया ना, उसी ऐसा भुना है कि क्या ही बात है भाई. वाह, उबैदा जो है एक प्लांटेड, उबैदा कितनी प्यारी है ना. यार ये नहीं पकेगी गुलदाद भाई, आपने भिगो दी थी. ओ यार मैं बता रही हूँ, जैसे पानी में दाल को रखते हैं ना 10 से 12 मिनट, सुबह तक टंकी खाली हो जाएगी, ना गलेगी. मैंने एक दफा दोपहर के 3 बजे से रात के 9 बजे तक मैं भी डाली जाऊँ पानी, गलेगी दाल नहीं गलेगी, सख्त लकड़ी की तरह.
देखा स्विच ही टूटा हुआ। नो थैंक यू भरत का और बाकी टीम का बहुत शुक्रिया नाजी, इतना ये लोग मेरे लिए काम करती हैं, आई लव देम ऑल। अच्छा कह दिया ना गलती से आई लव देम ऑल, तो एकदम से जो देखने वाले लोग हैं हो है, लव देम का मतलब हुआ ना आप लोग लव, एल ओ वी का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो आप लोग सिर्फ समझ रहे थे कि लड़का लड़की के बीच में लव यू लव यू लव यू चल रहा है, नहीं लव यू वो मीन्स माय मोहब्बत फॉर एवरीवन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा नाजी ये देख लें ज़रा कैसे चकड़ 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 हो गए, मज़ेदार, उफ आई लव इट। रहमत की नाक ब्लॉक हो गई नाजी, मैं आपको बता दूँ शहबाज भाई तो अपना आराम से वॉक कर रहे होते हैं ना आराम से, एक रहमत है बेचारा जो इस वाले कैमरे में सारा धुआं उसके ऊपर जा रहा वो ना, और वो रियासत जो है वो रियासतुल डॉक्टर साहब के बैठा हुआ है वहाँ सोफे के पास। थैंक यू। और नाजीन हाफिज़ साहब की आजकल ज़बरदस्त उनकी जॉगिंग चल रही है, अच्छा वो ना नॉर्मल भी उनकी स्पीड होती है ना वैसे लगता है पता नहीं कोई अल्लाह माफ़ करे कोई इमरजेंसी, तेज़ 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 चलते हैं, अब उनसे नॉर्मल बात करो ना, अच्छा भाई उनकी स्पीड ही है देखते सोते उठते भी ऐसे तेज़ जाते होंगे। उनकी वाइफ कहती है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू हाफिज़। ओके नाजी चेक करें ज़रा, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द वेजिटेबल्स एंड द लोबिया, लुक एट इट। अगर मीरा ये बनाए खाना तो कैसे बनाएगी नाजीन, लोबिया को देखें, लोबिया को मुझे ना देखें, लोबिया को देखें और साथ में सब्जी कितनी खूबसूरत है, वाह। और इसमें आप डाल देंगे क्या टमाटर, दो टमाटर डाल दिए, चेक करूँ ओफ मसाले के साथ, वाह वाह क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर अशरफ साहब की फरमाए पे कोल्ड काफ़ी, ये देखें नाजी इसमें खूब सारा पानी मिक्स कर दें और ये हमारी लोबिया सब्जी ऐसी बनेगी कि आप लोग रॉकेट के ऊपर जाएंगे छत तोड़ते हुए, इतने मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। आज हम सारे कैमरा टीम को ढूंढ रहे होंगे, वो एबीटी नेटवर्क की छत पे होंगे सारे रॉकेट की तरह, ये इसको हल्का कर दें, दरमियानी आंच कर दें, ये पक रही है ये पकती रहेगी। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, जो अशरफ साहब ने फरमाइश की रावलपिंडी से कॉफ़ी की चल जाए बस। ओह वाओ ये चलता, ओके इसमें हम दूध शामिल करेंगे, दो से तीन ग्लास दूध शामिल करेंगे, मतलब आधा लीटर के करीब दूध डालेंगे इसमें। और इसमें मैंने डालनी है इतने दूध में, अगर देखें अगर आपको शुगर का या उसका मसला है तो आप कैंड्रल डाल सकते हैं या कुछ भी शहद डाल सकते हैं। इसमें मैं दो टेबलस्पून जो है चीनी के, जो कि चार टीस्पून बनते हैं, वो मैं डाल रही हूँ, चार टीस्पून के करीब ये डाला। कॉफ़ी जो हमने डाली ये एक और दो टीस्पून ये डाली और आपने इसको बस ब्लेंड कर देना है। अच्छा साहब इस तरह ब्लेंड करें, डालें ड्र करके पी जाएं। अच्छा अब मैंने जो ग्लास है उसके अंदर हमने थोड़ा सा कॉफ़ी डाली, एक चुटकी बराबर ये डाली ताकि जब आप पोर करेंगे तो वो ऊपर आएगी, हमने ग्लास में डाल दी ये थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया थोड़ा सा, ये घुल जाएगी और ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी इज़ रेडी।
अजी जज्बाती हो गई मैं, मशीन को देख के ना मैं जज्बाती हो गई। अच्छा अब आप देखें कि ग्लास को हमने थोड़ा सा, नाजिन ये कम खर्च चीज़ है, देखें अगर आपके पास वो जो चॉकलेट सॉस है वो है तो आप ग्लास के इधर डाल सकते हैं, लेकिन देखें आजकल महंगी चीज़ें, मैं आपको वो टिप्स बताती हूँ जो कि हर कोई अपने घर में कर सकता है। उनके पास कॉफ़ी से ही आपने थोड़ा सा उसका सिरप सा बना लिया, ये थोड़ा सा एक दो दाने डाल के इसके अंदर अब हम ये कॉफ़ी को पोर करेंगे। बिस्मिल्लाह मान रही, ये देखें इसका कलर भी डिफरेंट हो जाएगा, और बिस्मिल्लाह मान रही ये कोल्ड कॉफ़ी, बाकी जो है बाकी मैं मग धो लेती हूँ नाजी, मैं पी के चेक कर लूँ, पी के चेक कर लें। ये चेक करती हूँ कैसी बनी है, बिस्मिल्लाह नहीं है, देखें ढाई कप बने हैं इसमें। उफ नाजिर इट इज माइंड ब्लोइंग। अब आपने ऊपर से क्या करना है, ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंकल करनी है, ऊपर से इस तरह करके, दैट्स इट। लाइट है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी मुझे चीज़ें नहीं पसंद है जिसमें पेट में जाके ना पेट पूछ रहा होता है ये क्या डाल दिया मेरे अंदर। ये लिया आपने एक छुरी कांटा, इससे ना आपने लेके इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, एंड दैट्स इट। सिंपल चीज़ें आप बनाएं, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। ये देखें ये अशरफ साहब की फरमाइश पे ये कोल्ड कॉफ़ी बन चुकी है, ये आप देख सकते हैं, और ये वाली मैं पी लेती हूँ। और अब जो है जो सब्ज़ी है और लोबिया, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 नहीं बल्कि 20 मिनट दरमियानी आँच पे ये आराम से पकती रहेगी, और फिर फाइनली इसको आपने वो करना है। मैडम नूरजान का सॉन्ग, नहीं मैडम नूरजान का सॉन्ग और उसके बाद ब्रेक, ओके। और कलाम की सैर कब कराएंगे नाजीन? अगले हफ्ते करवाएंगे, टिकट आपका कैंसिल हो गया, अच्छा अभी करवाएंगे। ओके आ जाते ना, सॉरी नाजीन, ये जो होता है ना बीच में कॉल्स ना लेना, दिस इज क्वाइट अ डील नाउ, सॉरी नाजीन, ये होता है कि सारा टेम्पो जो है ना टेम्पो चला जाता है टेम्पो। अब नाजी चल के मलिका तरन्नुम नूरजान का सॉन्ग सुनते हैं जिसका नाम है मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर गफार अली खानजादा, और कलाम स्वाद की सैर आपको मिडिल में कहीं ना कहीं जो है आपको ज़रूर करवाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आमना जो है वो स्टे ट्यून्ड रहे, उनके बेटे का बच्चे का जो मसला है वो भी पूछ लेंगे, तो चल के गाना सुने। बस आ चुके हैं, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ आज के जो मेहमान होते हैं वो हरदिल अजीज़ हैं, आप सबके बहुत फेवरेट हैं, और आप कोई भी आपका सवाल हो प्लीज़ शॉर्ट करके ज़रूर कॉल करके बताएं। और इनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर, पीर मंगल बुध और जुमेरात वाले दिन दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक बैठते हैं। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो अगर ला के दिखा देंगे कोई सीरियस अगर केस है तो ज्यादा बेहतर है। मेरे साथ मौजूद है हरदिल अजीज डॉक्टर गफार अली खानजादा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आज तो आपने मैचिंग बिल्कुल रुमाल भी लगाया है माशाल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है बिल्कुल। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप अपने व्यूअर्स को हेलो आई कर लें, दूसरा मैं आपके लिए कोल्ड कॉफी लाती हूं। हां ठीक है इंशाल्लाह, आज हम कोल्ड कॉफी भी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे हैं नाजरीन? ठीक है सेहत ठीक है, रूटीन ठीक चल रहा है आप लोगों का, सेहत का ख्याल रख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज किया करें, सेहत का ख्याल भी रखें। डॉक्टर साहब मैंने आज करके बताई थी वैसे एक्सरसाइज, जबरदस्त जबरदस्त हैं। तो मिशी खान आप तो खुद भी एक्सरसाइज करती हैं माशाल्लाह, और ये है कि ये एक्सरसाइज जिंदगी का हिस्सा है ना, ये आज कोल्ड कॉफी इंजॉय करेंगे। पीक पी के देखें डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह। हाँ माशाल्लाह, लाइट है ना, कितनी लाइट है, लाइट है, इसमें लोग क्रीम डाल देते हैं, चीजें डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह लाइट कॉफी अच्छी लगती है, और ये कि इसका टेस्ट भी बड़ा है और अच्छा है, और ये कि इसमें फिर वो ज्यादा हैवी भी नहीं होता, हैवी भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। सो अशरफ साहब आई होप आपको जो है ये अच्छी लगेगी। अच्छा डॉक्टर साहब सबसे पहले तो एक सवाल था आमना का, पहले मैं एक कॉल ले लूं आपकी इजाजत से। बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक थैंक यू, आप सुनाएं कौन बात कर रही हैं?
मैं मरियम बोल बात कर रही हूँ, आपसे बात करती रहती है मेरी। अच्छा हाँ, कैसी हैं मरियम? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपसे कहा था कि पिज्जा बनाए, आपने पिज्जा ही नहीं बनाया। नहीं नहीं, मैंने पिज्जा पिछले हफ्ते बनाया था मरियम, आपका नाम भी लिखा था मैंने, शायद देखा नहीं था ना। अच्छा चले मैं आपकी नेक्स्ट वीक मैं आपकी कोशिश करके आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगी पिज्जा। ठीक है, और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था। जी जी, के मतलब कि हमारे बालों की ग्रोथिंग नहीं होती और साथ में बाल गिरते भी बहुत हैं। गिरते बहुत है और ग्रो नहीं करते। हाँ, ग्रो नहीं करते, उसके लिए मैं अच्छी सी दवा बता देता हूँ, उससे आपके बाल ग्रो भी करेंगे और गिरेंगे भी नहीं। इस दवाई का नाम है, और उस दवाई के इस्तेमाल से आपके बालों में शाइन भी आएगी। ये दवा है, लेकिन इसको आपको खानी पड़ेगी ये दवाई, ठीक है? सुबह दोपहर शाम आपको 5-5 कतरे खाने पड़ेंगे मरियम, मतलब पीने पड़ेंगे। तो ये पीने पड़ेंगे, ये दवा है एसिड फ्लोर। जिन औरतों के बाल थिन हो रहे हैं और वो गिर रहे हैं और उसमें लसलेस हेयर्स हैं और उसमें ये है कि उसमें वो शाइन नहीं है, एसिड फ्लोर, ACID ACID-FLOUR। तो ये दवाई 30 ताकत में ले लें, ये जर्मनी की आती है। तो इसके सुबह दोपहर शाम 5-5 कहते, एक शीशी काफ़ी होती है। इसको खाने से आपके बाल में शाइन भी आ जाएगी, और ये कि आपके बाल, वो बाल जो आखिर में पड़ जाते हैं, दो मुंह बाल, तो वो स्प्लिट हेयर्स भी नहीं होंगे। तो ये है कि ये बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी। इसके साथ अगर आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगे, मतलब आपके डाइट में प्रोटीन अगर अच्छा होगा और आप कुछ गोश्त और दालों का वो आप कंज्यूम करेंगे, तो ये है। साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फ्रूट्स, जो खासकर विटामिन सी वाली फ्रूट्स है, वो भी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त और स्किन के लिए वो अच्छे होते हैं। लेकिन ये है कि ये दवा आप 3 माह तक यूज़ कर सकते एसिड फ्लोर बालों के लिए, बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो आपने कल मुझे बताया था ना, कैल्केरिया फॉस, हाँ वो आपको मिल गई दवा? डॉक्टर साहब मैं आपको दिखाती हूँ। जी जी बिल्कुल, अब आपको नाज़रीन दिखा भी देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो किस तरह की होती है। वो जोड़ों के लिए जो आप अभी से लेना शुरू करेंगे, देखिए मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से कर लेंगे तो देखिए एज तो बढ़ती है। तो आपकी जो जॉइंट्स में जो डिजनरेटिव चेंजेस है ना, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, कुछ लोग वक्त से पहले, खासकर लेडीज, क्योंकि लेडीज तो बच्चे जनती है, बच्चों को दूध देती है, तो वो जो है ना, वो उनके लिए कैल्केरिया फॉस दवा थी ना, वो बहुत जबरदस्त है, खाती हूं डॉक्टर, और आपके जॉइंट्स के जोड़ों के रेशों को मजबूत रखती है। एग्जैक्टली ये है नाज़रीन, जबरदस्त ये देखे, ये है कैल्केरिया फॉस्फोर कम है, ये बहुत जबरदस्त दवा है, और ये देखिए नाजी, ये आपको वहाँ से मिली है ना, स्टोर से, होमियो केयर स्टोर, बिल्कुल जबरदस्त है, जबरदस्त, ये बहुत अच्छी दवा है। इस तरह की, और ये देखिए छोटी छोटी गोलियाँ, बिल्कुल, 4 सुबह 4 दोपहर, और ये हर जगह अवेलेबल है, ये दिखाएं जरा, और इसका कोई एक्सपायर भी नहीं है, ये जो है ना एक्सपायर भी नहीं होती, आपने खाई नहीं खुली है डॉक्टर, मैंने दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा, अभी आपने कोली नहीं है इसको? हाँ ये देखें, हाँ ये देखें, ये देखें, ये ये देखें, मेरी गोलियां खा गई। तो ये इसी तरह जो है ना, आप लोग मुंह में डाल के इसको खा ले, चार खा लेती हूँ, बिल्कुल चार दोपहर चार शाम। आप 6 खा गए हैं? हाँ मैं, मेरे ख्याल में ज्यादा खा गई हूँ। तो ये बड़ी अच्छी दवा है, और ये देखिए नाज़रीन, ये चार है, ये चार है, छोटी छोटी गोलियां, गुलियां, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त है, देखे ये देखे, छोटी छोटी सी हैं, हाँ बिल्कुल चार है, और ये आपने, और इसका ना, ये इसमें, ये इसके लेने से आपके जिस्म में विटामिन डी की, ये इसका साल्टिश वो है, मजे की है, बहुत मजे की है ना, पता भी नहीं चला, जबरदस्त है टेस्ट ना, ऊपर से आप थोड़ा पानी पी लें, इस तरह खाता हूँ। और ये है कि इसमें ना, एक तो ये आपके जोड़ों के लिए बड़ी जबरदस्त दवा है, दूसरी बात ये कि इसका जार पैक भी मिलता है। अच्छा, जार पैक, हाँ 1 kg का,
और वो सस्ता आता तो है वो ना, पूरा साल खाते रहे आप। हाँ, वो ऐसे इसकी टाइम फ्रेम नहीं है कि ये वाला कितना देर तक खाए। नहीं, कोई इसकी टाइम फ्रेम नहीं है। और ये है कि ये खासकर उन बच्चों में, जो बच्चे अक्सर चलना देर से सीखते हैं, जो गिरते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, या जिन बच्चों में लुकनत है, जिसको हम स्टेमरिंग कहते हैं, जिन बच्चों में लुकनत है, तो ये जॉइंट्स के साथ साथ आपके मसल्स में जो मसल्स को भी मजबूत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस पे तो कुछ और लिखा हुआ है, कैल्शियम फॉस्फोरिकम। बिल्कुल, कैल्शियम फॉस्फोरिकम है ना। तो ये कैल्केरिया फॉस कैसे हो गया फिर? ये कैल्केरिया फॉस ही इसको हम बोलते हैं। अच्छा, ये आपकी लैंग्वेज में? बिल्कुल, ये हमारी जो होम्योपैथिक लैंग्वेज में है ना, उसमें फिर कैल्केरिया फॉस आ जाएगी। वेरी नाइस डॉक्टर। और मैं आपको बताऊं नाज़रीन, ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई बड़े मजे की चीज खाई है। हाँ, बड़े मजे की, बिल्कुल जायकादार, और आपको जो है ना इसका जायका। और ये है कि ये पेन किलर भी है जॉइंट्स में। अच्छा, पेन किलर भी है। ये आपके जॉइंट्स के मोमेंट को भी ठीक रखता है। जॉइंट्स में आपके प्रीमैच्योर वक्त से पहले उसमें डिजेनरेशन, जो जॉइंट घिस जाते हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जॉइंट्स में ऑस्टियोपाइट्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर जॉइंट्स में मोबिलिटी कम हो जाती है। तो ये दवा जो है उसके मोबिलिटी को भी ठीक रखती है। और जो जॉइंट्स में मिशी खान जो लुब्रिकेंट्स हैं, वो भी वो जो फ्लूइड्स है उसको भी मेंटेन रखता है ये दवा। और इसमें ये होता है कि ये आपको मसल्स भी मजबूत करते हैं। ये इसका मसल्स में जो आपका जो नेरो ट्रांसमीटर कनेक्शन है, जो एसेटिल कोलीन का जो मसल्स में एंट्री है, उसको भी ये आसान बनाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 20 ग्राम टैबलेट्स हैं और इसकी कीमत जो है, बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि, और ये इतनी ज़बरदस्त, आपने यूजली पाकिस्तान में जो चीजें बनती है उसकी ढकना खुल ही नहीं रहा होता। बिल्कुल, ऐसे ये बड़ा बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से चीज जो बनी हुई होती है ना, वो आउट क्लास। जाहिर बात है, वो तो असल में वो मेडिसिन पे वो बिल्कुल भी जो है ना कम्प्रोमाइज नहीं। तो बात ये है कि वो उनकी पैकिंग और उनकी जो आप देखे ना कि पैकिंग उनकी उतनी जबरदस्त है, और उनकी जो है ना मेडिसिन का भी बड़ा उनका एडवांस है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ये है कि ये बड़ी सेफ हैं। और जर्मनी की तो जी आप बात ही और है ना, बात ही और है। सही, बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नियाज़ी ईसा खैल से बात कर रहा हूँ जी। नियाज़ी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआएं जी। मेरी मैं 2-3 दिन प्रोग्राम बिजी था, नहीं देख सका। बहरहाल आपका शुक्रिया कि आपने लोबिया विद वेजिटेबल्स आज डिश तैयार की, वो फरमाइश पिछले वीकेंड पे मैंने की थी जी। तो आपका बहुत शुक्रिया, और भी लोगों की फरमाइश मेरे ख्याल में आई हुई है जी। तो डॉक्टर साहब ने जिस मेडिसिन का जिक्र किया, मैं बड़ा ट्रस्ट करता हूँ। मुझे जी आज से 20 साल पहले कोई एक डस्ट एलर्जी हुई थी जी, तो जी। बहुत सा मैंने इलाज कराया जिसको, लेकिन कहीं बहुत सा पिंडी तक मैं गया, और बाद में विलमार श्वाबे की एक ड्रॉप्स थे ओनली 70 रुपीज, बहुत चीपेस्ट मेडिसिन और उसके बहुत अच्छे साइड इफेक्ट जी। बिल्कुल, वो मैं 17 रुपीज में ठीक हुआ, वरना सरगोधा मियांवाली और इधर गया। तो यहाँ एक हमारे हकीम साहब थे, अब वो काफी बीमार हैं और हमारे इलाके में आपकी विलमार श्वाबे की मेडिसिन या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप यहाँ पे कोई ऐसा टूर हो, ऐसा विजिट हो कि हमारे इलाके में भी आप लोग इसको प्रमोट करें। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और इनकी जो जो रिजल्ट्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं किसी भी हवाले से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो आप डॉक्टर साहब बालों के हवाले से कह रहे हैं, ये भी मसला है। और दूसरा मसला हमारी यूथ में मेमोरी का आ रहा है, ये मेमोरी बहुत कम है, इसके लिए भूल जाना। मुझे खुद अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स जो है और या बंदों के नेम्स जो है वो मुझे याद नहीं रहते। ठीक है, इस सिलसिले में आप कोई मेडिसिन तजवीज करें जी। बिल्कुल, इसके लिए अच्छी सी आपको मशवरे की बहुत अच्छे आपके मशवरे और प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होता है जी, और हम इससे बड़ा मुस्तफीद होते हैं। थैंक यू। तो इनको थैंक यू सो मच शुक्रिया खान ईसा। वैसे डॉक्टर साहब ये कहाँ पे? ईसा खेल, मतलब ईसा खेल मियांवाली। तो वहाँ पे चले ना मिशी खान एक दिन, हम वहाँ पे मैं भी चलूं कैंप करे, दोनों चले ना। सब मैं तो जा, मैं वहाँ पे हम कैंप कर लेंगे पूरा दिन, मेडिकल कैंप विलमर श्वाबे के मेडिसिन के साथ जो है ना। और अच्छा आइडिया, एक दिन कैंप करके ना तो आ जाएंगे।
डॉक्टर साहब सिर्फ ये होगा जिस दिन आप सुबह जा रहे होंगे आप मुझे कॉल करेंगे तो आगे आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। नहीं हम रात को चले जाएंगे, रात को हाँ सुबह उधर सुबह 9 बजे 10 बजे हम ओपीडी शुरू कर लेंगे, शाम को ओपीडी खत्म और फिर हम रात को वापस आ जाएंगे, तो इसी तरह हो सकता है। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी प्लानिंग है आपकी, तो जबरदस्त हो जाएगा। और वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल केयर का जो है ना लोगों में अवेयरनेस भी हो जाएगी। तो आपकी बात सही है कि ये जो इनको मैं दवा बता दूं मेमोरी के लिए, मेमोरी के मैंने भी लिख लिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये बहुत अच्छी दवा है और इस दवा का नाम है एसिड फॉस, एसिड फॉस, एसिड फॉस, फास्फोरिक एसिड, एसिड फॉस, कैल्केरिया फॉस अलहदा थी, ये अलहदा थी, ये तो जोड़ों के लिए और पटों के लिए, एसिड फॉस, तो एसिड फॉस दवा आप ले लें इस आखिर से जो उन्होंने कॉल किए, तो इसकी आप इसकी पोटेंसी जो है वो 3x पोटेंसी है, 3x है, 3x पोटेंसी जो है ना, लेकिन ये दवा मेमोरी के लिए और आसाबी कमजोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त दवा है, लेकिन ये दवा आपको यंग भी रखेगा। हाँ, तो जोसा में सारी बोतलें ये बड़ी अच्छी दवा है और ये 3x में आप ले लें वेरमट श्वाबे की, और इसके जो है ना रात को सोते वक्त 5 कतरे ले लें, इससे एक तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होंगी और ये आपके आसाब में जो आपके नेरो ट्रांसमीटर जो केमिकल्स हैं ना उसको नॉर्मल रखेगी और इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। डॉक्टर साहब मेरे भी ये करना है, मेरी मेमोरी माशाल्लाह से, मुझे कंप्यूटर बोलते थे तो, लेकिन तो मैं ये बड़ी जबरदस्त दवा है मेमोरी के लिए, आज ही लूंगी। आप बिल्कुल, और ये 3x में अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छी दवा है और ये रात को सोते वक्त जब आप 5 कतरे लेंगे खाने के बाद तो इसका ये भी होगा कि ये आपको इससे नेचुरल कुदरती नींद भी आएगी। अच्छा, और सुबह आप उठेंगे तो बड़े फ्रेश और ताज़ा, और इसमें जो आपको डेली जो आपके खुलियों में आसाबी निज़ाम में जो तोड़ फोड़ हो चुका है ना ये उसी को रिप्लेस करेगा। ठीक है डॉक्टर, और इससे जो है आपकी स्किन बाल सब जो है ना बड़े शाइन और सॉफ्ट रहेंगे। ठीक है, एसिड तो एसिड फॉस जो है ना जी साहब, एसिड फॉस है 3x में, 5 ड्रॉप्स रात में आपने करने, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल, आपकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होंगी और आपको बड़ी जबरदस्त नींद आएगी और बहुत ज्यादा आप जो है ना खुश रहेंगे इसके साथ। आपका जो डोपामिन लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, जो आपके आसाब का निज़ाम है वो भी बड़ा। डॉक्टर साहब मम्मी और दारबाजन भी खा सकते हैं, मम्मी को थोड़ा सा अगर हार्ट का इशू है खास, हर कोई खा सकता है। हाँ, ये तो हार्ट के लिए भी बड़ी अच्छी दवा है। अच्छा, ओके। और ये आपके आसाबी निज़ाम को और ख़ास कर जो आपके दिमाग के वो केमिकल्स जो आपके हार्ट को भी कंट्रोल करता है, उसके लिए भी अच्छा, और आपके BP को भी कंट्रोल करता है, तो ये उसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त दवा है। ठीक है डॉक्टर, क्योंकि ये बहुत आसाब पे इसका बहुत ज़बरदस्त एक्शन है। डॉक्टर साहब एक कॉलर हैं, डॉक्टर साहब कॉल्स ही कॉल्स हैं आज, ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बोल रही हैं? जी मैं अस्मा बात कर रही हूँ शांगली से। अस्मा शांगला से, कैसी हैं अस्मा, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब से बात करेंगी? जी मैं डॉक्टर साहब से बात करेंगी, लेकिन मुझे उर्दू नहीं आती है इसलिए मैं उसी पुख्तो में बात कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप पुश्तो में बात कर सकती हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, संग आले तास्ती के जति कम तास संग आले डॉक्टर साहब। खैर जी बिल्कुल, शांग ला के खबर वो रशी हुई का ना? जी बस निश्चय मख की शवन खजी खा तासु बस वेल वाले वाए। जी जी डॉक्टर साहब, मारा दा सवार तो सासुना चिता सु सबा कांजू तर आ जाई। हां सबा जर आजम, बिल्कुल कांजू तो सबा इंशाल्लाह आजम खा इल्ला अय इंशाल्लाह। ना जनी रोज बानी दगर आज सम मलगर सा शागिर सीधे जुल करने नगर आजी में कत सबा ने राजी जो। और जर आजम आज इतवार पर रोज बानी आजम डॉक्टर जुल करने हम राजी जो आजम खा بالکل ان شاء اللہ ارادہ خدا الا ان شاء اللہ چ اللہ غواڑی ان شاء اللہ رازو بخا
वो कह रही थी कि आप कल स्वात आएंगे कि नहीं, तो मैंने कहा इरादा तो है इंशाल्लाह। स्वात कैसे जाते हैं? मैं बाई रोड जाता हूँ। अच्छा, और वो उधर कितनी देर में पहुंच जाते हैं? हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद से। अच्छा ठीक है, ओके। अब तो मोटरवे बन गया है ना, आर्मी वालों की मेहरबानी है। अब तो आर्मी वालों की वजह से स्वात में बड़ा अमन आ गया। माशाल्लाह। और यकीन करें, ये जो मोटर, ये एक्सप्रेस वे जो आर्मी वालों ने बनाया है ना, ये बड़ा जबरदस्त गिफ्ट है। और यकीन करें, वहाँ पे अब इतना रश होता है, विजिटर्स आते हैं, मिशी खान इतने विजिटर्स आते हैं कि हर हफ्ता इतवार को वहाँ पे विजिटर की रश लगी रहती है। तो ये हमारे आर्मी वालों ने बड़ा ज़बरदस्त तोहफा दिया है। और यकीन करें, स्वात को आर्मी वालों ने बना दिया है, बिल्कुल स्विट्जरलैंड बना दिया। पाक आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जी। अच्छा लोग सब, सबसे पहले आपको, एक कॉलर थी हमारी जो आपके आने से पहले, इन्होंने उनके जो बच्चा है रावलपिंडी में रहती हैं अस्मा, उनके बच्चे को एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे, बिल्कुल। तो वो कह रही थी कि दवाई दे रहे हैं फिर भी दौरे पड़ रहे हैं। हाँ, वो बच्चे जिनको एपिलेप्सी है जी, और उनको एपिलेप्टिक दवा वो दे रहे हैं, एपिलेप्सी की दवाई दे रहे हैं, फिर भी उनको एपिलेप्सी नहीं रोक रही है जी। तो उसके लिए मैं अच्छी सी दवा बता दूं। वो है। जो एपिलेप्सी की दवा है ना, वो तो दें, क्योंकि एपिलेप्सी में मिशी खान ऐसा होता है कि अगर 3 साल के अंदर अंदर एपिलेप्सी का दौरा नहीं पड़ा सही, तो आप फिर एपिलेप्सी की दवाई डॉक्टर के मशवरे से बंद कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर 3 साल के अंदर अंदर एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है तो फिर आप दवा बंद नहीं कर सकते। अच्छा, फिर बंद नहीं कर, ठीक है ना जी। ओके। तो उसमें अगर एपिलेप्सी की दवा लेते हैं बावजूद उसके भी एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, तो उसके लिए साथ में एक दवा ऐड कर सकते हैं जो हमारी हेमोपैथिक दवा है, उसे हम कहते हैं आर्टिमीशिया वल्गैरस। आर्टिमीशिया वल्गैरस, आर्टिमीशिया, आर्टिमीशिया वल्गैरस दवा जो है, ये आप 5-5 कतरे 30 ताकत में, लेकिन ख्याल रहे कि ये दवा जर्मनी की हो, विल्मर श्वाबे की हो, जर्मनी की हो। और ये दवा आप 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम बच्चे को दे सकते हैं, बड़ों में भी ये इस्तेमाल हो सकती है। वो लोग, वो बच्चे या वो बड़े जिनमें एपिलेप्सी बावजूद दवाई लेने के उनको फिट्स पड़ते हो, तो ये दवा फिर उसके साथ आप डॉक्टर साहब एक दफा फिर बता दें, अगर वो देख रही हैं रात में रिपीट में भी आप देख सकते हैं 10:30 बजे शो आएगा। आर्टिमीशिया वल्गैरिस, आर्टिमीशिया वल्गैरिस ये दवा आप 30 ताकत में ले लें, और 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम वो आप जो है ना पिला सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर नाम बड़ा प्यारा है वैसे। हाँ बिल्कुल। एक वो भी है बर्बेरस वल्गैरिस वो गुर्दे के लिए बर्बेरस वल्गैरिस के बाद ही। डॉक्टर साहब एक क्विक से ब्रेक पे जाना है, कमर्शियल ब्रेक पे जाते हैं ना जी, उसके बाद आके जरा डिश की भी सूरत हाल। डॉक्टर साहब आप कॉफी पिए प्लीज। मैं लेता हूं, थैंक यू। लेट्स ग्रीन आ चुके हैं, जो लोबिया और ये सब्जी है वो बन रही है। मैंने कहा साथ में थोड़ा सा सलाद भी ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि देखें आजकल हर कोई जो है ये डाइट और उसके चक्रों में बहुत सारी बीमारियां भी इससे आ रही हैं। अब वैसे किससे? डाइटिंग, सारा खाना छोड़ देना। मैं कहता हूँ ना, डाइटिंग जो है ना ये करनी नहीं चाहिए, डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। इधर से स्टार्ट करेंगे, एक कॉलर भी है, ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? मैं समीना बात कर रही हूँ, क्वेटा से। क्वेटा से समीना जी। समीना कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जी, शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी समीना? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ। जी जी, मैं हाजिर हूँ। मेरी वालदा है और वो शुगर पेशेंट है, पिछले 22 साल से उनको शुगर है। अच्छा। और शुगर तो एक साइड बीमारी उनकी है, लेकिन अभी आके ना उनके गोइटर भी डायग्नोज हुए हैं और थायराइड भी डायग्नोज हुए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में है। वो कहती है मेरे गला बिल्कुल बंद हो जाता है, ना कुछ खा सकती है ना पी सकती है, तो ये सब उनकी एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा बीपी भी उनका हाई रहता है।
जी जी बिल्कुल, वो अक्सर जो शुगर के मरीज हैं तो अक्सर 8-10 साल तो शुगर के मरीज अक्सर शुगर कंट्रोल नहीं होता, तो 5-6 साल 8-10 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता नहीं, लेकिन ये कि अगर शुगर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। अच्छा ओके, तो उसमें आपका फिर जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, आपका थायराइड भी डिसऑर्डर हो सकता है, इवन आपका थायराइड जो है ना वो बढ़ सकता है, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। अगर वो अंदर की तरफ बढ़ेगा तो जाहिर बात है वो प्रेशर डालेगा आपके सांस के नालियों पे, और आपके जो खुराक की नाली है वो भी दब सकती है, और आपके जो आवाज़ जो वोकल कॉर्ड है उस पर भी प्रेशर पड़ सकता है। तो यही कि उसका तो पहली फुर्सत में इलाज ज़रूरी है, कई पेशेंट में तो फिर सर्जरी भी करनी पड़ती है, क्योंकि जो थायराइड का दबाव है वो अगर सांस की नालियों पे है तो फिर पेशेंट को फिर सोना मुश्किल होता है, और फिर ये है कि उसको फिर सांस की तकलीफ भी शुरू हो जाती है और खांसी भी आने लगती है, तो इसी तरह फिर उसकी सर्जरी तो बहुत ज़रूरी है। अगर अभी थायराइड ग्लैंड इतना नहीं बढ़ा, इतना स्वेल्ड नहीं किया और ज़्यादा ग्रोथ नहीं है तो उसका इलाज फिर जो है ना मुमकिन है। तो इसमें ये है कि आप उसके जो एक तो HbA1c जो 3 माह का टेस्ट होता है तो वो आप हमें व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप नंबर हमारा वो टीवी पे स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा, और उसमें ये कि उसका अगर थायराइड स्कैन हुआ है और उसका कोई अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर हुआ है तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप कर दें, फिर हम आपको कोई सही दवा तजवीज़ करके बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल ये ज़रूरी है, क्योंकि आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में ही हैं तो जाके दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, और सुबह फास्टिंग में उसका शुगर टेस्ट करें, और खाने के 2 घंटे बाद अगर एक दो चार टेस्ट आप उसका करके ना खाने के 2 घंटे बाद, और उसे हम PP शुगर कहते हैं, और सुबह नहार पेट, तो ये 2-3 रीडिंग ले लें, 2-4 रीडिंग वो हमें व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह कोई अच्छी सी होम्योपैथिक दवा भी तजवीज़ कर सकेंगे। और ये है कि अभी जो दवाइयाँ पेशेंट की जा रही हैं शुगर के लिए वो जारी रखें, ठीक है, अपने डॉक्टर जो है शुगर का जिसे हम एंडोक्रेनोलॉजिस्ट कहते हैं वो उनके साथ इन टच रहें, ठीक है, कॉल के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जल्दी जल्दी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप डाइटिंग का बता रहे थे उसके जब कॉल, तो डाइटिंग का ये है कि मिशी खान देखिए डाइटिंग का मतलब लोग गलत लेते हैं कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया इसको डाइटिंग कहते हैं, इससे तो मैदे में ज़ख़म बन जाता है और आपके गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं, मैदा भी ख़राब हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपका जो गॉल ब्लैडर है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये है कि आप वक्फे से खाएँ लेकिन कम खाएँ, आप अपने खाने के मकदार जो है ना उसको आप कम करें, यानी इनटेक आप कम करें, आप लंच में एक चपाती खा रहे हैं आप आधा चपाती खा रहे हैं, डिनर में आप एक प्लेट चावल ले रहे हैं तो आप आधा प्लेट कर लें, ये नहीं कि आप बाकी फ्रूट और सैलड जो है ना वो तो वक्फे से आप हर घंटे 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ 3 घंटे बाद खाया करें, और लंच और डिनर और जो ब्रेकफास्ट है वो तो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंच हल्का रखें, ब्रेकफास्ट को ज़रा ठीक रखें, और ये कि रात का खाना आप 5 बजे से पहले पहले जो है ना इशा से पहले पहले आप खा लें, या मगरिब के वक्त जो है ना मगरिब पढ़ने के बाद आप डिनर ले लें, तो यही कि इसी तरह आपके रूटीन जो खाने के हैं वो ठीक रहेंगे, और यही के साथ में हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लें। अगर आप सिर्फ डाइटिंग पे ही आएंगे तो उसमें फिर आपके जिस्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और जो विटामिंस है ख़ासकर प्रोटीन की कमी आ जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी, उसमें ये होगा कि आपका जिस्म फिर डिहाइड्रेशन में चला जाएगा,
तो डिहाइड्रेशन जो ख़ुराक की और पानी की जो कमी है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, जो हम ख़ुराक से हासिल करते हैं, अगर उसकी कमी आ जाए और जिस्म डिहाइड्रेशन में चला जाए तो आपके हड्डियों में भी कैल्शियम और इसी तरह जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कमी आ जाएगी, जिससे आपकी आंतें और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT जो है और जो आपका मसल्स हैं, पट्टे हैं, जाहिर बात है फिर जिस्म तो अपना खुराक पूरा करेगा। अगर आप जिस्म को थोड़ा बहुत खुराक वक्फे से नहीं देंगे तो आपका जिस्म आपके हड्डियों से और पट्टों से जो है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा वो खुराक हासिल करेगा। पहले तो जो आपके जिस्म में डिपोज, सॉरी डॉक्टर साहब डिपोजिट, एक कॉल भी है वो ले लूं। और नाज़रीन साथ साथ मैंने जो लोबिया और सब्जी मिक्स है उसके साथ मैंने सैलड बनाया जिसमें बंद गोभी, हरा सलाद, ये थोड़ा सा वाइट पेपर, थोड़ी सी जो ग्रीन चटनी है वो, सिरका और साथ में खीरा, ये ऐड किया है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। ये आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये सलाद ज़रूर बना ले। और हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोले। सलामकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बची? ठीक है आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही है? मैं फरा बात कर रही हूँ, दरील न्यासी रिला बिहाड़ी से। फरा बात कर रही है फ्रॉम बिहाड़ी। कैसी हैं फरा, खैरियत से हैं? जी खैरियत। डॉक्टर साहब से मशवरा करना था। करें करें मशवरा करें करें। नंबर डॉक्टर साहब जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, एलर्जी का कोई इलाज बता दें, धप्पड़ सी हो जाती है जी। अच्छा, धप्पड़ शुरू हो जाती है और ये आपको खाने से, कोई गोश्त अंडा वगैरह खाने से या कोई सब्जी वगैरह खाने से शुरू होती है? नहीं, दाल चावल से ज्यादा हो जाती है। किससे? दाल चावल से डॉक्टर साहब। अच्छा, दाल चावल से। अच्छा, इनको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ये बिल्कुल। इसके लिए मैं अच्छी सी दवा आपको बता देता हूँ। आप दाल चावल खाएं। व्हाट्सएप आप कर देना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आपसे एक वो है, रिक्वेस्ट है कि एक तो आपने आके टेस्ट भी करना होगा और ये कि ये इनको आप दवाई बता दें। हाँ, ये दवाई जो है ना, इसको हम कहते हैं पल्सटीला। पल्सटीला वो लोग जिनको दाल और चावल से उनको एलर्जी है तो उनको अगर द्रप्पड़ निकलते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्टिकेरिया, तो इसके लिए आप पल्सटीला दवा जो है ना वो आप खाएं। और ऐसे औरतों में ये मैं बता दूं कि वो औरतें जो प्रिवेंटिव मेडिसिन लेते हैं, जो मतलब जो फैमिली प्लानिंग वाले मेडिसिन लेते हैं जिनको मजीद बच्चों की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए जो दवा लेते हैं उससे भी आर्टिकेरिया एलर्जी हो जाया करती है। तो इस तरह की दवाइयाँ अगर ली हैं और साथ में प्रोटीन एलर्जी है दाल चावल से तो पल्सटीला बड़ी अच्छी दवा है। पल्सटीला इसके लिए अच्छी, और क्या क्या चीज़ों के लिए अच्छी है पल्सटीला? पल्सटीला तो अगर वो औरतें जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई इरेगुलरिटी है तो वो उसको रेगुलर बनाता है, और ये है कि ये हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर उनका एग्स जो फर्टिलिटी के लिए, एग्स की जो है ना वो उसकी क्वालिटी प्रोडक्शन वो ज़रूरी होता है, तो अगर एग्स कच्चा बन रहा है तो उनको भी, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं करते, तो उनके लिए भी ये दवा अच्छी है। ये आपके फीमेल हार्मोन्स को और ख़ासकर ओवरीज फंक्शनिंग को अच्छा रखती है और उससे आपके ओवेरियन फंक्शन ठीक रहती है। ठीक है डॉक्टर, अच्छी पल्सटीला दवा है। पल्सटीला। कितने ड्रॉप्स ये पिए? ये 5-5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम ले लें। 5-5 बिल्कुल, 5-5 कतरे सुबह दोपहर रात को पल्सटीला के आपने पानी के चम्मच ताकत में, 30 ताकत में। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी दवा है। कॉलर भी है। उसके बाद बड़ी इम्पोर्टेंट चीज पूछूंगी आपसे टिश्यूज के हवाले से कि अगर बॉडी के अंदर फर्ज करें कोई गिरता है, किसी को चोट लगती है, बिल्कुल, और चले वो पेन किलर खा लेता है जो भी है, अंदर से टिश्यूज अगर थोड़े से आगे पीछे हो जाए तो उनको रिपेयर करने के लिए कौन सी दवाई है इसके बाद? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? फयाज साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। जी जी फयाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर से बात कर रही है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सर। जी जी
क्या साहब क्या हो गया आपके फोन को? डॉक्टर साहब आज ना मुझे गाना याद आ रहा है. अच्छा कौन सा? स्लो मोशन में. डॉक्टर साहब आप स्लो मोशन में क्यों हैं? मैं तो नहीं हूँ स्लो मोशन में. आज कलर स्लो मोशन में है ना? बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब आज छुट्टी है ना? हाँ बिल्कुल ये बात है. डॉक्टर मैच भी तो हो रहा है मुसीबत. हाँ मैच हो रहा है. अच्छा ये पल्सेट लाओगे अब वो जो मैंने टिश्यूज का आपसे किया अंदर से टिश्यूज अगर रिपेयर करने के लिए अंदर अगर उसको हम कहते हैं ना ट्रामा रेमेडीज. ट्रामा रेमेडीज तो ट्रामा रेमेडीज में ये है अगर आसाब पे चोट लगती है जहाँ पे मसलन हमारे मसलन उंगलियां हैं उंगलियों के ये पोर्स हैं ये एंड कंधे पे नहीं ये उंगलियों में जो एंड ये उंगलियां हैं इस पे अगर चोट लगती है पाँव की उंगलियों में या तो उसके लिए दवा है रूठा. रूठा तो रूठा 30 ताकत में इससे आपके जो नर्व शीट पे जो आसाबी शीट पे जो चोट आती है वो उसके लिए या वो जो जिसके जो सीख या कोई सुई लग जाए या कोई सुई वगैरह लग जाए तो तेज धार आले से कोई चोट आ जाए तो उसके लिए रूठा अच्छी दवा है. 30 ताकत और अगर क्रश होने ले मसलन. नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए कोई अगर गिरता है उसको उसके उसके कंधे पे खून जम जाता है चोट अगर लगी चोट लगती है तो उसको अंदर से जो टिश्यू रिपेयर के टिश्यू में खून जम जाता है और वो फिर उसमें रेड रेड निशान आ जाते हैं उसको हम कहते हैं ना हेमोरेजिक ट्रामा. तो वो जो है उसके लिए आर्निका 30 ताकत में मिशी खान जबरदस्त दवा है और मैं कहता हूँ ये दवा घर में होनी चाहिए आर्निका की क्योंकि अगर कहीं सर पे चोट लगती है तो उसका बाद में फिर अच्छा इफेक्ट नहीं होता तो उसके कंसिक्वेंसेस अगर सर पे चोट आती है तो वो बाद में भुगतने पड़ते हैं. तो उसी वक्त अगर आर्निका 30 में सुबह दोपहर शाम एक हफ्ते तक खिला दी जाए तो जहाँ जहाँ टिश्यू डैमेज हुआ है ना वो जल्दी जो है ना रिपेयर करेंगे. तो आर्निका 30 में उसके लिए अगर घर में पड़ी रहे ये चोट की अच्छी दवा है. कहीं पर भी चोट हो तो उसके लिए ये बेहतरीन दवा है और इस दवा के इस्तेमाल से वहाँ पर जो रेडनेस है या जो वहाँ पे वो जगह ब्लैक भी नहीं होगी वहाँ पे स्कार भी नहीं बनेगा. ठीक है तो सुबह 5 कतरे दोपहर शाम सुबह शाम पांच कतरे पानी में. और डॉक्टर साहब ये अंदर के जो टिश्यूज अगर अंदर जिस तरह चोट जोर की लगी है अंदर के टिश्यूज थोड़े से ब्रेक हुए ब्रेक तो वो उसको रिपेयर कर दें. और ये भी उसमें मिशी खान ये होता है कि इस दवा में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि वहाँ पे जो स्कार जो ट्रामा स्कार है वो भी हट जाता है. चोट का जो स्कार है वो भी नहीं रहेगा. मसलन कई लोगों को अक्सर फोरहेड पे या चेक्स पे या मसलन पे फेस पे चोट लग जाती है जहाँ पे फिर फोरहेड रेड सा और फिर वहाँ पे खून जम जाता है तो ये उसको खून को डिस्पर्स करने के लिए और उसको टिश्यू को रिपेयर करने के लिए अच्छी दवा है और ये कि चेहरे पे आपको स्कार भी नजर नहीं आएगा. जबरदस्त आजी क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद वापस आते हैं. छोटा सा है ना बहुत प्यारा फोन है. हाँ बिल्कुल. अच्छा आपकी नजर सही है. हाँ सही है. ये मेरा क्यूट फोन है ना. फेसबुक पे क्या मैसेज आया आपको? ये मैसेज वो मेरा ना वो दिए है ना वो जो वो दिए है ना वो जो मुझे मिला है मेडल फेसबुक नाजी वापस आ चुके हैं. वेलकम बैक नाजीन. हम लोग आके एक कॉल है डॉक्टर साहब एक कॉल है. डॉक्टर साहब मुबारक को एबीटी नेटवर्क की तरफ से इनको जो बड़ा खूबसूरत जो है वो शील्ड मिली है डॉक्टर साहब. हाँ बिल्कुल वो देख रहे हैं उन्होंने तस्वीर लगाई है फेसबुक पे. डॉक्टर गफार अली खानजादा का जो इनका फेसबुक का पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर लें इनबॉक्स कर दें. और जो मैं कोशिश है रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने व्यूअर्स हैं वो जाके क्लिनिक पे दिखा दिया करें. कराची कंपनी जी 9 मरकज पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे आप गफार अली हेल्थ मैटर में जा सकते हैं. गफार अली हेल्थ मैटर में बीमारियों की हवाले से ट्रू स्टोरीज मिलेंगी ट्रू स्टोरीज यूट्यूब पे. ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो वालेकुम अस्सलाम जी कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं?
मैं अरशद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अरशद साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अरशद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक जी। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि अगर नीस की प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है, 5-6 साल से, जी जी, तो उसके सही होने की उम्मीद है क्या? किसकी प्रॉब्लम अरशद साहब, सॉरी जोर से बोले? घुटनों की बिल्कुल, घुटनों के मरीज हमारे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं। और ये है कि घुटनों में आज भी हमने एक दवा बताई है, कैल्केरिया फॉस बताई है अरशद साहब, दवाई मिशी खान साथ लाई भी है, तो उसके लिए अगर आप क्लिनिक आए, क्योंकि घुटनों में मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कुछ में तो वजन ज्यादा होने की वजह से। सॉरी, थैंक यू अरशद साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। हैं हमारे साथ? बिल्कुल, आप क्लिनिक अरशद साहब क्लिनिक आप आ जाएं और डॉक्टर साहब आपको देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा। घुटनों के हवाले से मायूस नहीं होना चाहिए, इसका इलाज है। और ऐसे पेशेंट हमारे पास आए जिन्होंने मिशी खान इंग्लैंड में घुटने रिप्लेस किए हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम रहा है, तो वो जो रिप्लेस नी जॉइंट के साथ हमारे पास आए तो वो भी ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मायूस नहीं होना चाहिए। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। लिकुल दाइन दवाइन इल्लल मौत, हर मर्ज के लिए अल्लाह ताला ने दवा पैदा की है। ठीक है, तो अरशद साहब आप इस्लामाबाद में होते हैं तो G9 मरकज पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर साहब पीर मंगल बुध और जुमेरात वाले दिन दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक बैठते हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा कैल्केरिया फॉस तो है ही, लेकिन अगर आप जाके भी देखा के मिल लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा। डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जी जी, जो हमारे प्रोग्राम देख के फर्ज करें आपके क्लिनिक में आते हैं, जी जी, उनके लिए ख़ास क्या चीज़ होगी, कोई प्रमोशन? और जाहिर बात है वहाँ पे अक्सर तो मेरे क्लिनिक में लोग तंग पड़ जाते हैं, अक्सर भाग जाते हैं, क्योंकि मैं पेशेंट को हिस्ट्री टेकिंग में बड़ा टाइम लेता हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब कम टाइम और बहुत ज्यादा मैं उनको जरा देखिए, अगर आप पूरी बीमारी को समझेंगे नहीं फिर तो कैसे होगा? जाहिर बात है फिर पेशेंट को आराम नहीं आता। तो वहाँ पे ये है कि 2 बजे मैं बैठता हूँ, तो जाहिर बात है फिर अगर आप उसमें क्वालिटी वर्क नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट को आराम नहीं आएगा। तो ये है कि मेरे क्लिनिक में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कोई बात नहीं, अच्छा आप अगर फर्ज करें हमारे प्रोग्राम के जल्दी करते हैं तो जल्दी करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि नज़दीक में कोई हेमोपैथ से आप इलाज शुरू करवा दें। देखिए मेरे क्लिनिक में आते हैं तो फिर इंतजार तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रश होता है। और जाहिर बात है फिर मेरे पास आम कामन नज़ला ज़ुकाम के पेशेंट तो होते नहीं, सारे क्रॉनिक पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट मैं देखता हूँ तो वो आर्थराइटिस का होगा, ऑटो इम्यून का, दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो वो कैंसर का होगा, फिर उसकी हिस्ट्री देनी पड़ती है। सारे क्रॉनिक पेशेंट आते हैं, दूर दूर से आते हैं, इसमें अब्रॉड से भी आते हैं, दुबई, कतर और आपके सारे मुश्किल। तो मुझे ये बताएंगे हमारे प्रोग्राम से जब कोई आता है आपके रेफरेंस है कि आपके कॉल की थी तो आए हैं, तो उनके लिए स्पेशल कोई डिस्काउंट देंगे? जाहिर बात है हम तो उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनको रिस्पेक्टिवली उनको रिसीव करते हैं और उनको हम हर तरह से सहूलियात देते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हमारे साथ, अरशद साहब को अगर आपने बतानी है फिलहाल के लिए वो जो गोलियां हैं, फिलहाल वो कैल्केरिया फॉस दवा जो है ना, कैल्केरिया फॉस 6X वो अभी से शुरू करवा दें, स्टोर से ले लें। और बाकी क्लिनिक में आए हैं जो भी घुटनों के हवाले से इनकी प्रॉब्लम है, मैं उनको काउंसलिंग भी कराऊंगा और साथ में मेडिकेशन भी दवाई। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कैल्केरिया फॉस 6X में छोटी छोटी गोलियां हैं, बड़ी बॉटल मिलती है, कितनी दफा दिन में ये खाएं? सुबह दोपहर शाम ले लें, चार गोलियां चबा के, बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी मैंने ली है, मैंने भी खाई है अभी। हां बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब ने 6 खा ली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना फ्रॉम इस्लामाबाद। जी फरजाना, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने छुट्टी की है अपने बच्चे की खातिर, बच्चा बीमार बहुत है, यरकान हुआ है उसे, जॉन्डिस है।
अच्छा। तो इस वजह से मुझे डॉक्टर साहब से थोड़ा सा मशवरा लेना था। और बच्चे की उम्र कितनी है? क्या करूं? इस्लामाबाद से सब कुछ दे रही हूँ इसे। अच्छा, बच्चे की उम्र कितनी है? एज? उम्र की आंखें अभी तक येलो है। और उसके जिस्म पे खारिश है? बच्चे की जिस्म पे नहीं, जिस्म पे कोई खारिश नहीं है। चलो फिर खैर है, अगर येलो हो गया, उसका मुंह भी येलो हो गया। अगर जिस्म पे खारिश नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कल तो मैं स्वात में हूँगा, मंडे को आप लाइएगा और बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ये फिजियोलॉजिकल जॉइंट डिसीज को हम कहते हैं। बच्चे की उम्र कितनी है? 20 ईयर। अच्छा, तो वो किसी दवाई लेने से हो गया होगा या कोई खुराक लेने से हो गया होगा? क्योंकि कोई बच्चे जब पूरी बताएं क्या कह रही हैं फरजाना। उससे पहले डॉक्टर साहब, यानी 4 दिन हो गए हैं इसे जॉन्डस, ये जो निशानियां हैं ये जॉन्डस की आई हैं। तो 4 दिन पहले 2 दिन उल्टियां होती रही हैं, वॉमिटिंग थी, तो मैंने डॉक्टर साहब से रुजू किया। वो डॉक्टर साहब ने उसकी दवाइयां दी और वो खाई इसने रेगुलर। उसके बाद इसकी ना येलो होना शुरू हो गई। आप इस तरह करें, आप आज या कल बच्चे का आप अल्ट्रासाउंड करा दें और फिर मंडे को इंशाल्लाह 2 बजे में उसको क्लिनिक में देख सकूंगा। तो आज या कल आप बच्चे का अल्ट्रासाउंड करा लें, क्योंकि इसमें अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। अगर यरकान के साथ वमिट भी आ रहा है, यूजुअली यरकान के साथ वमिट होता नहीं है कम यरकान के पेशेंट में, लेकिन अगर वमिट आ रहा है, उल्टी आ रही है, तो इसका मतलब है कि कोई वहाँ पे लीवर में जो जिगर है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पे कोई लीवर की नाली बंद है, इसलिए उल्टियाँ आ रही हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव और जॉइंटिस भी हो सकता है कि कभी कभी हमारे गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिससे बाइल डक्ट बंद हो जाती है, जिससे ऑब्स्ट्रक्टिव और जॉइंट उसमें एकदम जो है ना जो आंखों में येलोनेस और ये जो स्क्लेरा है आंखों की जो वाइट वो येलो हो जाती है, पेस और हॉर्न भी येलो हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि ये फौरन जो है ना इसमें वॉमिटिंग भी होती है, ठीक है, तो इसमें फौरन अल्ट्रासाउंड करके या सीटी स्कैन करके फौरन उसका पता लगाना चाहिए कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो होम्योपैथिक तरीके इलाज में इस तरह के पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अगर बाइल डक्ट बंद होती है तो उनमें फिर सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए आप अल्ट्रासाउंड करके किसी अच्छी सी लेबॉरेटरी से फौरन मंडे को हमें दिखाएँ। फरजाना जी, प्लीज़ आप अल्ट्रासाउंड करा लें या सीटी करवा लें और उसकी रिपोर्ट्स लेके मंडे वाले दिन दोपहर 2 बजे से 9 बजे तक डॉक्टर साहब बैठते हैं G9 मरकज़ कराची कंपनी पैरागॉन प्लाजा 1st फ्लोर पे। उधर ला के दिखा देंगे, फ़ोन पे इस तरह की बीमारी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ला के दिखाएंगी तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा उनके क्लिनिक में, और थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। और एक कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, उसके बाद जरा थोड़ा सा पानी ला दे, बिकॉज मुझे पानी की सख्त शदीद ज़रूरत थी पहले, लेकिन कोई बात नहीं है। एक हमारे साथ कॉलर है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अलीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी अलीना, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी अलीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 26 इयर्स की हूँ और मेरा इशू ये है कि मुझे स्टमक पे बहुत ज़्यादा सूजन महसूस होती है। अगर मैं कुछ थोड़ा सा भी खा लेती हूँ तो वो बहुत हैवी फील होता है और सूजा रहता है हर वक्त। जी, कोई जी। भी ऐसी ताकत वाली चीज़ ज़्यादा खा नहीं सकती, या दूध भी पी लेती हूँ तो उससे भी बहुत तकलीफ होती है और जलन होती है मैदे पे। अच्छा, आपकी शादी हुई है? नहीं सर, अभी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, मैं आपको दवा बता देता हूँ, आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। कभी कभी मैदे में इसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया, मामूली खुराक खाने से फिर मैदे में ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। इसके लिए दवा है नक्स्वामीका, तो नक्स्वामीका दवा आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मंगवा लें, अभी मंगवा लें, और वो 5-5 कतरे आप सुबह दोपहर शाम खाने के बाद लीजिएगा एक घूंट पानी में। इंशाल्लाह 1-2 खुराकें लेने से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये कि आप
मेरे ख्याल में एक्सरसाइज नहीं करती, फास्ट फूड जो है वो उसको कम करें और एक्सरसाइज करें और कोशिश किया करें कि आप पेट भर के ना खाएं और थोड़ा सा भूख रख के आप जो है ना खाना खाएं, तो और खाने के बाद पानी नहीं पीना, ये है कि पहले अगर आप एक गिलास पानी ले लें तो वो अच्छी बात है। और ये दवा नक्समी का जो है ये आप 3 टाइम लें, इंशाल्लाह इससे आपको आराम आ जाएगी। फिर भी अगर आपको तकलीफ़ है तो फिर आप क्लिनिक में आ सकती हैं, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर या 0300-911-6681 0300-911-6681 पे आप राबिता कर सकती हैं। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाजीन। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी जो किचन से चीज़ें हैं कोई ले जा रहा है उठा रहा है, मेरी जो बोल्स हैं वो मिल नहीं रहे मुझे, तो प्लीज़ अगर कोई बोल्स ला के दे दे ताकि हम लोग टेस्टिंग के लिए। हाँ बिल्कुल, वो हम आज वो भी खाएंगे ना, लोबिया खाएंगे, बड़ा मजा आता है। मेरे जो बोल्स हैं वो सारे ऑड किस्म के बोल्स हैं, किधर के डॉक्टर साहब किधर चली जाती है चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब आपको इस चीज से होता है कि जो लोग जगह से चीज उठा के वापस नहीं रखते, वापस रखनी चाहिए जी, है ना? हाँ वापस रखनी चाहिए। आपको ऑफिस में होता है कभी? बिल्कुल, मेरे साथ नहीं होता, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं फिर डांटता हूँ ना, तो मेरे नहीं होता। अच्छा ये मुझे बात आज तक एक चीज जगह से उठा के वहाँ वापस ना रखना इज द वर्स्ट थिंग। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है कि एक चीज एक जगह से उठाई है तो उसको जगह पे रखना चाहिए, जरूरी है ये। ओके डॉक्टर साहब एक मदद कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से? कौन बोल रहे हैं? मैं मजहर अली बलोच। मजहर अली बलोच कहाँ से? हाँ कहाँ से? नवाबशाह से। नवाबशाह जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी आवाज आपका स्टाइल बहुत मुझे पसंद है। जबरदस्त जबरदस्त, कैसे हैं आप? ठीक है। एक बात कर रही थी, मुझे बोला मेरे हाथ में सफेद निशान निकले हैं व्हाइट कलर के, बर्फ तो नहीं है, पता नहीं क्या है। अच्छा व्हाइट व्हाइट निशान निकले हैं, मुझे। हाँ बिल्कुल, उसके लिए आप इस तरह करें, उसका फोटो लेके ना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। हाँ? उसकी तस्वीर लेके ना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दें, तो हम फिर आपको दवाई जो है ना उसमें देखेंगे कि उसमें क्रीम इस्तेमाल होगी या कि आपको दवा खानी पड़ेगी, तो भेज के ना। अच्छा, मिशी खान बिल्कुल, तो आप जरा मजहर अली साहब नवाबशाह से आप जो नंबर्स है ना मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको डिटेल्स पता चल जाए, उस पर भेज दें तो फिर डॉक्टर साहब से रबते जा रहे हैं। नवाबशाह बहुत दूर है डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, नहीं आप तस्वीर। अच्छा आप, आपको 0300-333-9378 और दूसरा नंबर है 0300-911-6681 और एड्रेस जो है जिस्लामाबाद रावलपिंडी में जितने लोग हैं वो जाके, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, देखिए वो तो हर डॉक्टर के बाहर इंतजार करना पड़ता है। तो G9 मरकज कराची कंपनी पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे यानी पीर मंगल बुध जुमेरात वाले दिन बैठते हैं डॉक्टर साहब, दोपहर को नौ कह रही हूँ, दो बजे से रात 9 बजे तक। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज पता नहीं क्या है, कुछ एनर्जी की कमी है। नहीं, आज आपके जो है ना बॉल गायब है ना, आज आपकी चीजें गायब हो गई है ना, इसलिए आप टेंस हैं। ठीक है ना, ठीक है ना डॉक्टर साहब, आपने जो क्या है ना आपको जी चीजें नहीं मिल रही है ना, उसके बाद उससे पहले जो आपने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, कल जो आपने बोल गए थे आज आपने जो बोला, इट्स रियली रियली, मैं समझ सकती हूँ, रिपीट नहीं करूंगी नाजीन, वरना ये ना हो कुछ हो जाए। डॉक्टर साहब आ जाए, नहीं पहले मैं डिश में निकालती हूँ फिर मैं आपको इनवाइट करूंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल हेल्थ के लिए बता दें जो लोगों को, ओवरऑल हेल्थ के लिए मतलब वो बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी कौन सी विल्मा शोबे की है जो खाए रोज? ओवरऑल हेल्थ के लिए आप लोग एक्सरसाइज करें और ये है कि प्यार करें मोहब्बत करें। डॉक्टर साहब अगर कोई नहीं है प्यार मोहब्बत के लिए फिर क्या लव कैसे करें? कोई हो ना तो देखे ना, इबादत भी तो है ना, प्यार मोहब्बत ये आप फिर स्पेसिफाई करें डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, प्यार करें अल्लाह ताला से, अल्लाह की कायनात से मोहब्बत करें। अगर आपका लाइफ पार्टनर है ना
तो फिर तो एक दूसरे से मोहब्बत करें, और अगर नहीं है फिर क्या करें? फिर आप नेचर से मोहब्बत करें। ये बात की है रॉक साहब, गरीबों का ख्याल रखें, लोगों का केयर करें, लोगों की दुआएं लें, सदका करें। अस्सदकतुरदुल बला, जो सदका है वो आप सिर्फ इंसानों पे नहीं, जानवरों पे भी सदका होता है। आप जानवरों को भी खाना खिलाएं, उनका ख्याल रखें, उनका इलाज करें, सही, ये भी सदका है। और ये है कि आप लोगों अल्लाह से मायूस नहीं होना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, यानी अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह मा दून ज़ालिक, शिर्क के अलावा तमाम गुनाह बख्श फरमाता है। तो ये है कि खुश रहा करें, और खैरुन्नास मन यन्फ़ुन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो मखलूकी खुदा के लिए बेहतर हो। तो ये है कि मखलूकी खुदा के लिए अपने आप को बेहतर बनाएं, और बी पॉजिटिव, यानी सोच को अपना मुस्बित रखें, और ये है कि अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। ठीक है डॉक्टर, और ये है कि ये सारी चीज़ें आपके पर्सनैलिटी में अगर होंगी तो आप खुश रहेंगे। ठीक है, और आप जो है ना थोड़े पे फिर के नाच करेंगे और तो बेस्ट, अल्लाह आपको उसमें खुश रखेगा, खुश रखेगा। अच्छा नाज़रीन, आज के जो सवाल है उसका जवाब सबने सही दिया था, जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सूबा पंजाब में सबसे ज़्यादा दरिया बहते हैं। तारा नाज़रीन, लोबिया सब्ज़ी मिक्स तैयार है, कॉफ़ी अशरफ साहब ने रावलपिंडी से फरमाइश की थी, बहुत लाइट है, बिल्कुल हैवी नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्ती आए हैं डॉक्टर साहब आपके अच्छा, लिए मैंने मैं भी मैं आपके लिए निकाल था। अच्छा मैं इंशाल्लाह मैं फिर लोबिया खाऊं ना? नहीं, लोबिया सब्जी मिक्स और नाज़रीन साथ में सलाद भी है, और इसके साथ तो सैलेड भी है। अच्छा सैलेड बड़ा जबरदस्त है डॉक्टर, ये जबरदस्त है, पहले आप ये खाएं उसके बाद हम सैलेड खाते हैं। हां ठीक है, पहले खाएं वो जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा सैलेड बनना हुआ है ना, इजी पीजी। इसमें मटर भी है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह, ये तो माशाल्लाह जबरदस्त, इतना टेस्टी है जबरदस्त। इसमें मिक्स वो भी है ना, मिक्स सब्जी भी है ना, रखा सब्जी भी है, लोबिया भी है, लोबिया भी है, बिल्कुल खाली भी अगर आप खाएं बिल्कुल बड़ा परफेक्ट है। नाज़रीन, और लोबिया में अच्छा प्रोटीन भी होता है ना, है ना? ना बिल्कुल, लेकिन सिर्फ वो लोबिया इज वेरी वेरी अच्छा सोर्स है, अरजान चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आप जो है ना इसको ये खाएं जरा, इट इज गोइंग टू बी लवली, ये देखें ये सैलेड है, सैलेड जबरदस्त है डॉक्टर साहब, इजी पीजी सस्ता सैलेड है। नाज़रीन आज का प्रोग्राम रात के रिपीट में, रात के रिपीट में रात को रिपीट में 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। सारी टीम का, डॉक्टर साहब का, आपका, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब जल्दी भाग के आए, अच्छा थैंक यू ठीक है नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू। मेरी आपसे मुलाकात होगी आने वाले जुमेरात वाले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, डॉक्टर साहब से रابطہ कायम करें, इनके नंबर्स जो है वो चल रहे हैं, रात में रिपीट में दोबारा से आप देख सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।